बाग जाल दस जानी ने दर्शन दिज दस जानी ने दर्शन दिज दया तो करी प्रभु कृपा तो करी आरती श्रीनाथ जी मंगला करी प्रभु आरती श्रीनाथ जी मंगला करी हे प्रभु आरती श्रीनाथ जी मंगला करी वल्लभादीश की जय। अब मनोरथी परिवार से नम्र निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भागवत भगवान की जय। आरती की थाली ले लीजिए, साइड में एक्सेप्ट रख दीजिए। और सबसे नम्र निवेदन है, कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। श्री वल्लभादीश की जय। वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य श्री यदुनाथजी महोदय श्री से कथा का रसपान करवाने की विनती आप सभी की तरफ से मैं करता हूं। आपसे शिष्य नम्र विनती है, कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयतः। प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम संशय
ज्ञानांजन शैलातया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराधीशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलामि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्विराजिते योऽसौ पञ्चधा इदये नित्यं श्री मधुराधिपं सुभकरं श्री विठले शम्भोदा कालिन्दी स्वगु
स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरे नयशो विसारी कुमारितानन्दित घोष नारी मम प्रभुषी गिरिराज धारी गिरिराज धारी मम प्रभुषी व्रजांगनावृंद सदा बिहारी अंगै गृहादा रतमोपहारी क्रीडारसावे शतमो विसारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी गिरिराजधारी मम प्रभुषी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन् दफलोपहारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी कलिन्द चाकु लदुकुलहारी कुमारी काका मकला वितारी वृंदावने गो धन वृंद चारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी प्रभुश्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभुश्री गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मनः कराना ततमो विदारी वंशीरवाका रिततकुमारी रासो सवोद्वे लरसापि सारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मत्तद्वितोदा मगतानुकारी
लुण्ठत्व सूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभारीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। एक मिनट के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे फिर अपनी भागवत यात्रा में प्रवेश करेंगे सभी भाव से और प्रेम से। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी भाव से श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी सभी की तालियां भाव से जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल
बोलिए भागवत भगवान की जय। इस दिव्य भागवती कथा गंगा के निमित्त बने परम भगवदीय प्रवीण जी माहेश्वरी, उनका समस्त परिवार एवं भागवती कथा गंगा का स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीयजनों, आज से अपनी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। और देखो, शास्त्रों में और बड़े बड़े ज्ञानियों ने श्रीमद् भागवत को भी यात्रा कहा गया है। और भागवत की यात्रा क्या है? देखो, वैसे भी आपको यदि जब भी कोई यात्रा में जाना हो या यात्रा में आपको कोई ले जाता है तो यात्रा में जाने से पहले कुछ सूचनाएं दी जाती है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। बहुत बढ़िया। अब देखो, यात्रा में जब जाते हैं तो यात्रा में जाने से पहले सूचना दी जाती है कि भैया इस वस्तु का ध्यान रखना, इन वस्तुओं से सावधानी रखना और इन वस्तुओं में अग्रसर होना। तो ये भागवत की यात्रा में जब आज आपको संग में ले जा रहा हूं तो इस यात्रा में सावधानी भी कुछ रखनी है। बोले क्या? देखो, जब और यात्राओं में अपन जाते हैं ना तो हमको कहा जाता है कि अपना कीमती सामान बचा के रखना, कोई लूट न ले। लेकिन इस यात्रा के अंदर भी आपको ये सावधानी रखनी है। जब यात्रा बढ़ते बढ़ते 3rd से 4th दिन आएगी तो हो सकता है आपको एक ऐसा सांवरा सलोना, एक चोर भी रस्ते में मिल सकता है। और जब सांवरा सलोना ऐसा चोर भी रस्ते में मिल सकता है जो बिना कहे हमारा सब कुछ छीन लेने वाला है, बिना कहे हमारा सब कुछ लेने वाला है, तो और यात्राओं में ये सावधानी रखनी होती है कि जब यात्रा में जा रहे हैं तो बचना, कहीं लुट ना जाओ। लेकिन इस भागवती यात्रा में सावधानी ये रखनी है कि जब यात्रा में चलते चलते जाएंगे और कथा के 4th दिन वो सांवरा सलोना चोर यदि मिल जावे तो सावधानी ये रखनी है कि लुटने में बाकी न रह जाओ, क्योंकि उसके आगे लुट गए तो समझ लो तर गए, और लुटने में बाकी रहे तो मानो खाली रह गए। देखो, हमारे श्री हरिराय महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर वस्तु लिखी कि जब भ्रमरगीत का आपने दोहा लिखा तो ये बात आपने लिखी कि जब गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी आए और उद्धव जी कह रहे हैं, देखो गोपियों, तुम अपने मन का निग्रह करो, अपने मन को स्थिर करो, केंद्रित करो। लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव जी एक बात हमको बताओ, यदि कोई ऐसा चोर हो कि जिसने आपका सब कुछ छीन लिया हो, सब कुछ लूट लिया हो, दिन का चैन भी ले लिया हो, रात की नींद भी ले ली हो, और ऐसा कोई चोर आपको मिल जाए, आप क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा, मेरा सब कुछ लूट लिया हो और ऐसा कोई चोर मुझे मिले तो मैं तो मार दूंगा। तो गोपियां कहती, हम भी ऐसे चोर को ढूंढ रही हैं जिसने हमारा दिन का चैन चोर लिया है, रात की नींद चोर ली है, लेकिन जानते हो उद्धव जी, वो चोर हमें मिले तो हम क्या करेंगी? उद्धव जी ने कहा, क्या करोगी? तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, ऐसे चोर को सबको डारे मारी। हे उद्धव जी, ऐसा चोर जिसने अपना सब कुछ लूट लिया हो और ऐसा चोर यदि किसी के हाथों में आता है तो सबको ही उसे मार देते हैं। लेकिन जानना चाहते हो, ऐसा चोर हमें मिले तो हम क्या करेंगी? उद्धव जी ने कहा, गोपियां क्या करोगी? तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव, ऐसे चोर को सबको उडारे मारी, उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी, पर मो मन चोर जो मो मिले सर्वस्व डारू वारी। सभी लोग कहते हैं कि यदि ऐसा चोर हमारे हाथ में आ जावे जिसने सब कुछ लूट लिया है तो लोग उसे मार देते हैं। लेकिन ऐसे चोर की प्रतीक्षा हम भी करते हैं, यदि ऐसा चोर हमें मिले तो अपना सर्वस्व वारने के लिए हम तैयार हैं, अपना सर्वस्व नौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये भागवती यात्रा में आज हम प्रवेश करेंगे। लेकिन देखो, ये भागवत है क्या? भागवत का दर्शन क्यों करना चाहिए? भागवत कथा है क्या वास्तव में? अलग अलग आचार्यों ने भागवत के अलग अलग अर्थ बताए और कहते हैं भागवत क्या है, तो कहें
भगवता उदितम भागवतम। बोले भागवत क्या है? तो कहते हैं जो भगवान ने कहा उसे कहते हैं भागवत। भागवत किसे कहते हैं? देखते हैं आपको कितना याद रहता है। भागवत किसको कहते हैं? जो भगवान ने कहा उसे कहते हैं भागवत, या भगवान जो कहना चाहते हैं उसे कहते हैं भागवत। भगवान अपने मन में जागे प्रश्नों का जो उत्तर देना चाहते हैं उसे कहते हैं भागवत। मुझे सही सही बताना, पूरा साल आप दौड़ दौड़ के अलग अलग तीर्थों में गए, शिनाज जी गए, बिज में गए, शिगिराज जी के पास गए, यमुना जी के पास गए, जो भी तीर्थों में गए, जो भी भगवान के पास गए, सही सही कहना उनका सुनने गए थे या अपना सुनाने ज्यादा गए थे? भागवत जी के सामने बैठो, बिल्कुल सही सही बोलना। जब जब भी प्रभु के पास अपन गए, दर्शन करने गए, प्रभु के सानिध्य में गए, तो अपना सुनाने गए या उनका सुनने गए? क्या? अपना सुनाने। बहुत बढ़िया। देखो, अपना सुनाने गए, प्रभु इतना इतना कर रहे हैं फिर भी मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना इतना कर रहा हूं मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी बातें अपन प्रभु को सुनाने के लिए गए, लेकिन सुनते सुनते प्रभु को लगे अब तूने बहुत कह लिया, अब मुझे कहने की बारी दे, अब मेरी तेरे प्रश्नों को उत्तर देने की बारी आई। ऐसा जब प्रभु विचार करें तो हमें लाके श्रीमद् भागवत कथा के अंदर बैठा दे, और भागवत कथा के अंदर आके अपन बैठे, इसका मतलब क्या? प्रभु ने कह दिया कि आज तक तू बोला, मैंने सुना, अब 7 दिन तक तू बैठ और मैं तेरे मन में जागे हुए एक एक प्रश्नों का उत्तर इन 7 दिनों में दूंगा। यानी भगवान ने अब ठान लिया है कि अपने मन के प्रश्नों का सुझाव देना है, वो श्रीमद् भागवत। भागवत क्या है? तो कहते हैं जो भगवान का परिचय करावे उसे कहते हैं भागवत। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान का, अब आपको लगेगा कि हम तो बरसों से कथा सुन रहे हैं, बरसों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बरसों से मंदिरों में जा रहे हैं, तो क्या हम भगवान को जानते नहीं हैं कि हमें परिचय प्राप्त करना पड़े? हम सब भगवान को जानते हैं, और यदि भगवान को जानते हैं तो फिर से परिचय करने की आवश्यकता क्या है? तो देखो, भगवान को हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे उनको जानते हैं, या अपने समझ में जैसे आए हैं वैसे जानते हैं? फिर से एक बार, जब भगवान को अपन जानते हैं तो भगवान जैसे हैं वैसे उनको जानते हो, या अपने परसेप्शन, अपने समझ के हिसाब से हमने जैसे माना है कि भगवान तो ऐसे होने चाहिए, वैसे भगवान को जानते हो? और बात को सरल कर दो तो यहां खुजनेर के पास वाला सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हम तो इंदौर से हो, क्या है तो इंदौर की बात करता हूं। चलो, अब देखो, कोई व्यक्ति यदि प्लेन में वहां जा रहा हो और प्लेन में अनाउंसमेंट हो जाओ, चलो खुजनेर की बात करते हैं। अब देखो, प्लेन ऊपर से जा रहा और कोई पायलट अनाउंस करे कि नीचे खुजनेर आया है, देखो, और कोई खिड़की में से नीचे देखे और पूरा खुजनेर उसे दिखाई दे, वो घर पहुंचे और जाके कहे कि मैं तो खुजनेर होके आया, उसी प्रकार खुजनेर को देख के आया, उसी प्रकार यहां से ट्रेन जा रही हो और खुजनेर के आसपास कोई उतरे, यहां खाना पीना खावे ट्रेन में से, वापस ट्रेन में बैठ के आगे चला जाए और वो कहे कि मैं भी खुजनेर होके आया। तीसरा, कोई यहां से दूसरे कोई गांव जा रहा है और रस्ते में से उसकी गाड़ी पसार हुई, खुजनेर के रस्ते से होते हुए वो गया और वो भी घर जाके कहे कि मैं भी खुजनेर होके आया। और चौथा, ये यहां आके रहे, लोगों से मिले, यहां के उत्सव मनावे, यहां हरेक के संग समय बितावे और वो जाके कहे कि मैं भी खुजनेर होके आया। तो इन चारों में से खुजनेर देखा किसने है वास्तव में? देखने के लिए तो कह सकते हो, विमान वाले ने भी देखा है पूरा खुजनेर, ट्रेन वाला रुका उसने भी आके खाना पीना खाया, वो भी कहेगा मैंने खुजनेर देखा, जो गाड़ी से खुजनेर होके पसार हुआ उसने भी खुजनेर देखा है, और जो यहां आके ठहरा, रुका, रहा, सभी के संग समय बिताया और वो कहता है खुजनेर मैंने देखा, तो इन चारों में से वास्तव में खुजनेर किसने देखा?
प्लेन वाला, ट्रेन वाला, कार वाला, यो या यहां के रहा वो, हाँ, इन चारों में से चौथा कौन सा, हाँ, जो आके रहा, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये चारों लोग दावा तो करते हैं कि हमने खुद ने देखा, पर चारों में से आप कहते हो कि जो चौथा वाला है, जो आके रहा या समय बिताया, उसने वास्तव में खुद ने देखा। तो भगवान को जानने वाले भी ये चार प्रकार के होते हैं, प्लेन वाला, ट्रेन वाला, कार वाला और वहां आके रहा वो। बोले प्लेन वाला कौन सा? बोले ऐसे कभी भी प्रभु की सेवा नहीं करे, जब बड़ा उत्सव हो और कोई कुछ कहे कि चलो दर्शन करके आते हैं, तो साल में एक बार किसी मंदिर का चक्कर काट के आ जावे, वो कौन सा? बोले प्लेन वाला। ट्रेन वाला कौन सा? स्टेशन पे उतरा, खाना पीना खाया और गया। और ट्रेन वाला कौन सा? बोले कथा हो, मनोरथ के दर्शन हो उस समय ना आवे, लेकिन जब प्रसाद का टाइम हो उसके 15 मिनट पहले आवे, वो कौन सा? ट्रेन वाला। तीसरा कौन सा? कार वाला। कार वाला यानी कौन सा? बोले आने की इच्छा तो नहीं थी, बोले किसी ने कहा है अब संबंध संभालने के लिए जाना पड़ेगा, तो कथा श्रवण मुक्त न हो, संदन संभालना जब बात आ जावे तब मानो, वो कौन सा? बोले कार वाला। और चौथा कौन सा? जो नित्य प्रभु की सेवा भी करता है, नित्य कथा का श्रवण भी करता है, नित्य भगवत गुणगान भी करता है, वो चौथा कौन सा? जो आ रहा वो। तो भागवत श्रवण करने क्यों आए हैं? यदि अपन प्लेन वाले हो, यदि अपन ट्रेन वाले हो, यदि अपन कार वाले हो, तो इन तीनों से निकल के प्रभु के धाम के अधिकारी हो जावें, उसलिए भागवत श्रवण करने के लिए अपने आना है, चौथी कैटेगरी पाने के लिए। हाँ देखो, मैं कई बार कहता हूं, जैसे अपने पास भी जीवन में दो प्रकार के लोग हमको रोज मिलते हैं। कितने प्रकार के लोग? दो प्रकार के। एक वो होते हैं कि जो रोज आपके पास आके बैठे, आपसे मिलें, आपसे चर्चा करें, आपके सुख दुख में भाग लें, और दूसरे वो कि जब जीवन में अपना काम पड़े तब अपन को याद करें। आके ना तो बोलो। हाँ, अब आप देखो, रात को सो रहे हो, रात को सो रहे हो और रात को 1:30-2 बजे उस व्यक्ति का फोन आवे जो रोज आपके संग मिलता है, सुख दुख बांटता है, तो आप उसका फोन उठाओगे कि नहीं? हाँ के ना तो बोलो। हाँ, वो यदि कहे कि मुझे अभी आपकी आवश्यकता है, तो अपन मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे मदद करने? हाँ के ना तो बोलो। और वो व्यक्ति हो जब उसको कुछ काम पड़े तभी याद करे और 1 बजे उसका फोन आवे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ देर के वैष्णव तो बहुत चतुर है, क्या करोगे? हाँ, फोन फेंक दोगे? क्या करोगे? फोन नहीं उठाएंगे और क्या करोगे? साइलेंट कर दोगे। वाह। और तो देखो, यदि वो व्यक्ति की जब काम पड़े तब अपन को याद करे, तो उसका फोन अपन साइलेंट कर देते हैं, कट कर देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। तो देखो, यदि आप प्रभु को कोई विनती करो और विनती करते ही प्रभु आपका फोन उठा लेवे, विनती करते ही इच्छा पूरी हो जाए, तो मानो आप कौन से कैटेगरी में हो। और प्रभु को बार बार विनती करते हो पर प्रभु फोन नहीं उठा रहे, साइलेंट कर दे रहे हैं, तब मान लेना अपन कौन से हैं। तो जब अपन सच्चे अर्थ में प्रभु से जुड़ते हैं तब अपना कार्य होता है। तो कहते हैं कि भागवत क्या है? कि जो भगवान का परिचय करावे। भागवत क्या है? कि जो भगवान के संग अपना संबंध जोड़ देवे। भागवत क्या है? जो भगवान के संग हमारा संबंध जोड़ देवे। और देखो, मैं कई बार कहता हूं कि भगवान तो अपने से जुड़ना चाहते हैं। और भगवान कैसे हैं? मैं कई बार कहूं, भगवान तो सूर्य की तरह हैं। किसकी तरह? अब सूर्य को आप अपने कमरे में बुलाना चाहो तो उसे आमंत्रण देना पड़ता है, कि सूर्य का स्वभाव है जहां अवसर मिले और प्रवेश कर जावे। हाँ, सूर्य को यदि आप अपने कमरे में बुलाना चाहो तो सूरज को क्या आमंत्रण देना पड़ता है कि जहां मौका मिले सूरज की किरणें अपने कमरे में आ जाती हैं? क्या होता है?
सूर्य का स्वभाव है कि जहां अवसर मिले वहां प्रवेश कर जावे। तो हमारे भगवान भी कैसे हैं, उन्हें न्योता देना नहीं पड़ता, जहां अवसर मिले और वो अपने अंदर प्रवेश कर जावे। भगवान तो सूर्य की तरह हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हम सो रहे हों और सूरज की किरणें आंखों पे आ जाएं तो हम सो सकते, लेकिन इंसान को सोना इतना अच्छा लगता है कि वो जगना चाहता। बहुत बढ़िया। अब देखो छुट्टी का दिन है और आपको सोते रहना है, अब सूरज की किरणें आपके कमरे में आ रही हैं और सूर्य यानी प्रकाश आपके जीवन में आ गया तो आपको सोने देगा नहीं, लेकिन हमें सोना अच्छा लगता है और किरणें अपने कमरे में न आवे तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, पर्दा लगा देते हैं और क्या, बहुत बढ़िया, पक्का काम है कुछ नहीं का, हमारे चेन्नई वाले हैं तो पक्का काम है, पर्दा भी लगा देंगे, खिड़की बंद कर देंगे और ठंड का दिन है तो बहुत बढ़िया। नहीं, कुजनेर वालों का काम बिल्कुल पक्का है, कहा कि कर्टन लगा देवे, खिड़कियां बंद कर दें और थोड़ी सी कसर रह जाए तो रजाई भी ओढ़ लेवे ताकि पक्का काम हो जाए। तो देखो भगवान तो अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं, भगवान तो अपने जीवन में आने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन हमने अपनी मान्यताओं की खिड़कियां बंद रखी हैं, हमने अपने विश्वास के पर्दे लगा दिए हैं और हमने ही अपने अज्ञानता की रजाइयां ओढ़ ली हैं। तो 7 दिन तक मैं कुछ नया देने या नया सिखाने के लिए आया नहीं हूं, 7 दिन के अंदर मुझे सिर्फ इतना करना है, आपके पर्दे खुलवाने हैं, आपकी खिड़कियां खुलवानी है और आपकी रजाइयां हटवानी है। तो अपने आप जो सूरज के प्रकाश को आपने रोक के रखा है वो सहज रूप से अपने जीवन को प्रकाशित कर दे, अपने जीवन को उन्नत कर दे, अपने जीवन को दिव्य कर दे। इसीलिए अपन इसके अंदर आए हैं। तो कहा भागवत क्या है, भागवत के अलग अलग अर्थों का दर्शन अपन ने किया। और देखो भागवत के लिए कहा जाता है भागवत, और भागवत ये बताने के लिए कहते हैं कि भा याने क्या, तो कहते हैं भा के कहे ते भाग खुल जाते हैं भक्तन के, भा के कहे ते भाग्य खुल जाते हैं भक्तन के, ग के कहे ते गुमान मिट जाते हैं, भाग के कहे ते भाग्य खुल जात भक्तन के, ग के कहे ते गुमान मिट जात है, व के कहे ते वरण होत विष्णु भक्तन में, व के कहे ते वरण होत विष्णु भक्तन में, और त के कहे ते भवसागर तर जात है। भागवत भवसागर से तारने वाला कोई ग्रंथ हो तो श्रीमद् भागवत है, लेकिन अपने वहां ऐसे कहा जाता है कि कोई भी उत्तम वस्तु, उत्तम पदार्थ, उत्तम तत्व यदि किसी को देना हो तो सबसे पहले उसका महात्म्य उसे समझाया जाता है, और यदि महात्म्य ज्ञान दिए बिना आप उत्तम वस्तु भी दोगे तो वो वस्तु टिकने वाली नहीं है। देखो छोटा सा बच्चा यदि खेल रहा हो, उसको कोई एक चॉकलेट देवे और 2000 रुपए की नोट देवे तो दोनों में से वो क्या पसंद करेगा, हाँ? और आपको देवे तो, क्योंकि आप उसके महात्म को जानते हो कि कौन सी वस्तु क्या प्रदान कर सकती है। तो उस प्रकार श्रीमद् भागवत का ज्ञान देने से पहले भागवत जी का महात्म बताया जाता है, ताकि जिस ग्रंथ का दर्शन अपन करने जा रहे हैं, जिस शास्त्र को अपन समझने जा रहे हैं, उसका महिमा क्या है, उसकी महत्ता क्या है। और वो महात्म के लिए पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महात्म का दर्शन कराया गया है। तो आइए अपन भागवत जी के महात्म के अंदर प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर प्रवेश करें। जब व्यास जी से पूछा गया कि भागवत श्रवण करने का फल क्या, भागवत श्रवण किया हुआ सिद्ध कब होता है, तब व्यास जी ने कहा प्रत्येक जीव जो इस जगत के अंदर आया है वो जीव कन्या रूप है, और कहते हैं वो जीव रूपी कन्या जब भगवान को अपने स्वामी माने तब मानो भागवत श्रवण करना सिद्ध हुआ। और प्रत्येक जीव एक कन्या है, और वो जीव रूपी कन्या जब भगवान को अपने स्वामी मानेगी
तब उसका भागवत श्रवण करना सिद्ध होता है। पर कन्या ने, जीव रूपी कन्या ने कहा, देखो व्यास जी, आप कह रहे हो कि प्रभु को अपने स्वामी मानो, प्रभु को अपने पति मानो, पर जिसको कभी देखा ना हो उससे प्रेम कैसे हो, और प्रेम ना हो तो उसको अपना स्वामी कैसे मानो। कृपा करके बताओ, जिस प्रभु को स्वामी मानने की बात आप कह रहे हो, कृपा करके बताओ वो प्रभु कैसे हैं, वो प्रभु क्या कार्य करते हैं, वो प्रभु का स्वभाव कैसा है, वो प्रभु का नाम क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे तो सभी का उत्तर आपने महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर दिया, कि जिससे भगवान का परिचय अपन को मिले। और श्लोक का गान अपन सब मिलके करेंगे, सभी का भाव से, सच्चिदानंद रूपाय, सभी बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सभी लोग, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब देखो, जब भी ब्याह की बात चलती है, अब देखो व्यास जी क्या कह रहे हैं कि जीव रूपी कन्या को प्रभु के संग ब्याह देना है, और जीव रूपी कन्या पर प्रभु को अपने स्वामी माने, तब भागवत सुनना सफल होता है। तो जब जब भी ब्याह की बात चलती है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, फोटो या चित्र दिखाते हैं कि नहीं, है ना, तो बोलो, मुझे यहां का ज्यादा आइडिया नहीं है, दिखाते हैं क्या, बहुत बढ़िया, पहले चित्र दिखे, फिर लगे कामकाज क्या करता है, फिर स्वभाव क्या है। तो यहां कहा कि सबसे पहले आप कहो कि मेरे प्रभु देखने में कैसे हैं, मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा है, और प्रभु के स्वरूप का परिचय देते हुए व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, मेरे प्रभु कैसे हैं, बोले सद चिद आनंद रूपाय, बोले हमारे प्रभु कैसे हैं, बोले सदरूप भी हैं, प्रभु कैसे हैं, बोले चिदरूप भी हैं, और प्रभु कैसे हैं, बोले आनंद रूप भी हैं। तो कहते हैं सदरूप प्रभु का कौन सा, प्रभु का चिदरूप यानी क्या, और प्रभु का आनंद स्वरूप वो कौन सा, ध्यान से समझना। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि सच्चिद आनंद रूपी भगवान का सदरूप क्या है, बोलिए पूरा दृश्यमान जगत जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वो क्या है, सच्चिदानंद भगवान का सदरूप क्या है, बोलो तो सही, सच्चिदानंद भगवान का सदरूप कौन सा है, क्या ही पंडाल, मंडप, स्टेज, क्या ये पूरा जगत जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो क्या है, बोले सच्चिदानंद भगवान का सदरूप। आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी एक ऐसे आचार्य हुए, उससे पहले जितने भी आचार्य हुए ना, सभी ने जगत और संसार ये दोनों को समान आर्थी शब्द से देखा, लेकिन महाप्रभु जी ने जगत और संसार दोनों को अलग करके बताया, ये जगत क्या है, प्रभु का सर्जन इसलिए सत्य है, लेकिन संसार क्या है, बोले अपना सर्जन इसलिए मिथ्या है। संसार क्या है, जिसमें मेरा और मेरी आवे वो अपना संसार, संसार क्या है, जिसमें मेरा और मेरी आवे, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा परिवार, जिसमें मेरा मेरा आवे ना, मान वो अपना संसार। ये जगत तो भगवान ने बनाया इसलिए सत्य है, लेकिन संसार हम खुद खड़ा करते हैं, और खुद खड़ा करते हैं, और ये संसार ही हमें दुखी करता है, इसलिए वो मिथ्या है। तो देखो, पहले अपन को कहा गया, थोड़ी हल्की फुल्की वेदांत की बात करूं चलेगा, हां के ना तो बोलो, इस तरफ
क्या चलेगा के लिए हां बोला या नहीं चलेगा के लिए हां बोला? बहुत बढ़िया। अब देखो, जब सत्य की बात करते हैं और महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जगत सत्य है, जगत सत्य है ऐसा महाप्रभु जी कहते हैं, तो कोई प्रश्न पूछे सत्य किसको कहते हैं? जो त्रिकाला बाधित हो। और त्रिकाला बाधित किसको कहते हैं? जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये तीन कंडीशन जिसमें लागू पड़े उसे सत्य कहा जाए। तो बोले शास्त्रों में तो वर्णन आता है पहले कुछ था नहीं, भगवान को विस्तार करने की इच्छा हुई, भगवान ने कहा एकोहम बहुश्याम, और भगवान ने जगत प्रकट किया। तो जब भगवान ने जगत प्रकट किया इसका मतलब ये पहले था नहीं, अब आगे जाके जब प्रलय होगा तब रहने वाला नहीं है। तो जो था नहीं और जो रहने वाला नहीं है उसे सत्य कैसे माना जाए? सत्य तो उसे ही कहा जाता है जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी। तो आचार्य चरण कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं कि जगत पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बोले कैसे? एक कच्चा सोना आप कहीं से लेके आओ और उसमें से आपने हार बनाया तो कच्चा सोना क्या कहा जाता है? बोले कारण रूप। क्या कहा जाएगा वेदांत की भाषा में? हाँ, कारण रूप। क्या कहा जाएगा? उसमें से हार बनाया तो हार हुआ सोने का कार्य रूप। क्या हुआ? अब हार को वापस आप पिघला दोगे तो वो वापस कौन से स्वरूप में आ जाएगा? कारण रूप में। तो वैसे जब जगत नहीं था तब भी वो भगवान के अंदर ही था, जब जगत का सृजन हुआ तो वो कार्य रूप से हो गया, और जब जगत का लय होगा तो वो पुनः प्रभु के भीतर यानी कारण रूप से हो जाएगा। ये भाषा थोड़ी वेदांतिक है पर सरल तरीके से आपको कहने का थोड़ा प्रयत्न मैंने किया। कहने का तात्पर्य इतना कि जगत सत्य है, और ये जगत क्या है? बोले भगवान का ही सदरूप। क्या है? भगवान क्या ही? हाँ, अब देखो कहा कि जगत की बात तो समझ में आ गई कि प्रभु का सदरूप है, और ये चिदरूप क्या है? तो कहते हैं चिदरूप और कुछ नहीं, ये जितनी भी सजीव सृष्टि है ना, ये जितने भी सजीव प्राणी और सजीव लोग हैं वो सब क्या हैं? भगवान का चिद स्वरूप। क्या है? जरा भाव से बोलो तो सही, भगवान का। अब अपन सब भगवान के चिद स्वरूप अपन हैं, बराबर भगवान के चिद स्वरूप हैं। तो मुझे एक वस्तु बताओ, मैं कई बार कहता हूं कि अपन जीव जितने भी हैं वो भगवान के अंश हैं कि नहीं? क्या लग रहा है, है कि नहीं? पक्का है? बहुत बढ़िया, इस तरफ भी पक्का है। अब जितने भी अपन जीव हैं ये सब भगवान के अंश हैं, और यदि भगवान के अंश हैं तो अंशी के अंदर जो भी हो वो अपने अंदर भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बात समझ में तो आ रही है ना? हाँ या ना? और सरल करके दिखाऊं तो जैसे अपन भगवान के अंश हैं, तो जैसे एक लड्डू, चलो मैं कई बार पूछता हूं आजकल अपने मनोरथी कहां गए, ये रे बैठे मनोरथी परिवार में से कोई बताओ आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? हाँ, कौन सी? सारी? कोई तो होगी क्या? हाँ, पुष्टि जीव है तो मोहन थाल। चलो एक मोहन थाल है बराबर, अब मोहन थाल का थोड़ा सा भाग आप निकालो तो थोड़े से निकाले भाग के अंदर क्या वो सारी वस्तु होंगी कि नहीं जो पूरे मोहन थाल में थी? प्रवीण जी क्या लग रहा है, होंगी कि नहीं? बहुत बढ़िया। जैसे एक छोटा सा लड्डू हो, लड्डू का थोड़ा सा भाग आपने निकाला तो उस थोड़े से निकाले हुए भाग के अंदर वो सारी वस्तु होंगी कि नहीं जो पूरे लड्डू में है? हाँ, पीछे वाले, बहुत बढ़िया। तो अपन भी यदि भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर वो सारी वस्तु होनी चाहिए कि नहीं जो भगवान के अंदर होंगी? बोलो तो सही। जैसे लड्डू का थोड़ा सा भाग निकाला, थोड़े से निकाले भाग के अंदर वो सारी वस्तुएं हैं जो पूरे लड्डू में है। एक मोहन थाल के अंदर से निकाले हुए थोड़े से भाग के अंदर वो सारी वस्तुएं हैं जो मोहन थाल के अंदर है। वैसे ही यदि हम भी भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर वो सब कुछ होना चाहिए कि नहीं कि जो भगवान के अंदर है? हाँ, तो भगवान कैसे हैं? बोले परम आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? जरा भाव से बोलो भाई, भी
बहुत बढ़िया। और यदि भगवान परम आनंद स्वरूप हैं, तो उनके अंश अपन कैसे होने चाहिए? हाँ, जरा भाव से तो बोलो यहां से। यदि अपन परमानंद स्वरूप के अंश हैं, तो अपन कैसे होने चाहिए? हाँ, आनंद स्वरूप तो होने तो चाहिए, पर दिखते। एक स्वर में जवाब दिया सभी ने, बोले आनंद का अंश है तो वो भी आनंद स्वरूप होना चाहिए, पर अपन कैसे हैं? बोले इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं कि किसी को निश्चिंत बैठा हुआ देखो तो उसकी चिंता भी अपन को हो जाए। कैसा आदमी, कोई चिंता नहीं, इतनी टेंशन लेके घूमते हैं कि किसी को निश्चिंत बैठे हुए देखें उसकी चिंता भी अपन को हो जाए। कैसा आदमी, कोई चिंता नहीं है, और आके दो चार टेंशन की बात करे अपन को लगे हाँ अब अपनी तरह नॉर्मल हुआ, वहां तक लगे पता नहीं कौन से ग्रह से आया है, कोई चिंता नहीं है इसको। तो अपन भगवान के अंश हैं तो अपन आनंद स्वरूप भी होने चाहिए। भगवान कैसे हैं? बोले परम शांति स्वरूप। भगवान कैसे हैं? परम शांति स्वरूप। तो उसका अंश कैसे होना चाहिए? परम शांति रूप। पर कोई अपन को कह दे कि 5 मिनट जरा शांति से बैठना तो फिर भी अनुकूल आवे, वाह। कोई अपन को कह दे जरा 5 मिनट शांति से बैठना फिर भी अपन को अनुकूल नहीं आवे, तो अपन को लगे परम शांति के अंश हैं, परम आनंद के अंश हैं। तो जो वस्तु अपने अंदर होनी चाहिए वो दिख क्यों नहीं रही? मैंने ये सुना कि एक गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने कहा कि क्या करूं, तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे कर, सामने यमुना जी बह रहे हैं, तू यमुना जी का जल लेके आ जा। शिष्य भागता भागता गया, अपनी अंजलि में यमुना जल लेके आया और कहा देखो गुरुजी मैं आपके लिए ये यमुना जल ले आया। गुरुजी ने कहा मैं कैसे मानूं ये यमुना जी का जल है? बोले क्यों, यमुना जी में तो देख कितनी सारी नाव तैर रही है, इसमें नाव कहां है? यमुना जी में देख कितने लोग स्नान कर रहे हैं, इस जल में कोई स्नान तो नहीं कर रहा, तो मैं मानूं कैसे ही यमुना जी का जल है? शिष्य ने कहा अरे गुरुजी ये यमुना जल ही है, लेकिन इस अंजलि के जल में मैं इतनी नाव कैसे लेके आऊं, इस अंजलि के जल में इतने लोगों को लेके कैसे आऊं, ये अंजलि के जल में इतने फूल लेके कैसे मैं आऊं? तब गुरुदेव ने कहा कि देख ये ऐसे कर, ये अंजलि के जल में वो सारी वस्तुएं नहीं आ सकती कि जो यमुना जी के जल में है, पर ऐसे कर ये अंजलि का जल जाके तू यमुना जी में मिला दे। और जैसे ही अंजलि का जल ले जाके उसने यमुना जी में मिला दिया, गुरुदेव ने कहा देख उस अंजलि के जल के पास वो सब कुछ आ गया कि जो उस यमुना जल के अंदर है। उसी प्रकार बहती हुई सरिता यानी अपने भगवान, और वो अंजलि का जल यानी हम सब जीव, हमारे अंदर अपूर्णता तभी तक है जब तक उससे दूर हैं। और ये 7 दिन कुछ करना नहीं है, इतना ही करना है कि ये सब अंजलि के जल को ले जाके उस प्रभु रूपी सरिता के अंदर मिला देना है। और जहां प्रभु रूपी सरिता में मिल जाएंगे तो उस अंजलि के जल के पास भी वो सब कुछ आ जाएगा कि जो उस सरिता के पास है, जो भगवान के पास है। तो यहां कहा कि देखो सत स्वरूप है या पूरा जगत दृश्यमान, चिद स्वरूप क्या है? सजीव सृष्टि, बराबर दिखा था ना मन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? सदरूप प्रभु का मैंने क्या बताया? पूरा ब्रह्मांड। चिद्रूप मैंने क्या बताया? ये पूरी सजीव सृष्टि। और प्रभु का आनंद स्वरूप क्या है? बोले हमारे हरेक के अंदर बैठे हुए अंतर्यामी, जो अंदर बैठ के हमारे हरेक के कर्मों को देख रहे हैं, वो कौन है? बोले प्रभु का आनंद स्वरूप है। क्या है वो? जो अंदर बैठ के हमारे सभी कर्मों को देख रहे हैं, हमें सभी कर्म करते हुए उन्होंने देखा है फिर भी हमसे प्रेम करते हैं। हमारे जीवन के निचले से निचले स्तर पे अपन थे तब भी उन्होंने हमें देखा है फिर भी हमें प्रेम करते हैं। हा? और अंदर बैठे हुए वो हमारे हरेक कर्मों के साक्षी हैं, और हरेक कर्मों के साक्षी रह के वो जीव के ऊपर कृपा करते हैं। तो देखो ये प्रभु के स्वरूप का परिचय दिया, सद
सच्चिद आनंद स्वरूप। अब देखो जब भी ब्याह शादी की बात चलती है और यदि स्वरूप पसंद आवे तो बात आगे चलती है। यदि तुम्हें ये प्रभु का स्वरूप पसंद आया हो तो मुझे बताओ तुम्हारी बात आगे चलाऊं। हाँ हाँ के ना तो बोलो। यदि ये स्वरूप पसंद आया हो प्रभु का सच्चिदानंद रूप आए तो आपको यदि ये स्वरूप पसंद आया है तो फिर आपकी बात आगे चलावे। अब देखो देखने में कोई बड़ा अच्छा हो लेकिन बात आके अटकती क्या कहां पे है कि वो कामकाज क्या करता है। देखने में अच्छा हो लेकिन कामकाज सारे उल्टे हो तो बात जमेगी। हाँ हाँ के ना तो बोलो। नहीं जमेगी तो बताया कृपा करके बताओ वो प्रभु कार्य क्या करते हैं। तो कहा विश्वोत्पत्यादि हेतवे इस विश्व की उत्पत्ति उसका पालन और उसका लय जो करे उसे कहते हैं भगवान। कहते हैं जी ओ डी गॉड। जी यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर और डी यानी डिस्ट्रॉयर। जो जगत का सर्जन भी करें पालन भी करें और संहार भी करें उन्हें कहते हैं भगवान। अपन को लगे जो सर्जन करे जो पालन करे और जो लय करे उसे भगवान कहते हैं। तो सर्जन तो मनुष्य भी करता है, पालन भी मनुष्य करता है और लय भी मनुष्य करता है। तो जो तीन चीज भगवान करते हैं वो तो हम मनुष्य भी करते हैं। तो फिर भगवान करें और हम करें उसमें क्या भेद। व्यास जी ने कहा फिर भी भेद है। बोले कैसे। जब भगवान किसी वस्तु का सर्जन करते हैं तो उन्हें अपने सर्जन में मोह नहीं होता और यदि हम सर्जन करें तो मोह होए बिना रहता। इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने बनाई लेकिन कहीं प्रभु ने अपनी चिन्ह नहीं छोड़े। और इंसान छोटा सा पेंटिंग घर में बनावे ना शायद रंग भरना भूल जाएगा पर अपना नाम लिखना भूलेगा। ये पेंटिंग किसने बनाया? मैंने बनाया। क्योंकि इंसान का सहज स्वभाव है कि अपने सर्जन में उसे मोह हो जाता है लेकिन भगवान पूरे जगत का सर्जन करें फिर भी उनके सर्जन में उनको मोह नहीं है। इंसान भी पालन करता है भगवान भी पालन करते हैं लेकिन दोनों में भेद क्या है। जब भगवान पालन करें तो उनको पालन करने का मद नहीं होता लेकिन इंसान कोई वस्तु का पालन करे तो मद होए बिना रहता नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि जगत के सारे काम बिल से चलें और भगवान का एक काम है जो दिल से चले। और कहते हैं ना कि भगवान सर्जन भी करते हैं लेकिन उनको मोह नहीं है और इंसान भी लय करे और भगवान भी लय करें। जब भगवान लय करें तो लय होने का दुख नहीं है और इंसान से कुछ टूटे फूटे। नया नया फोन लेके आए हो और जरा सा फोन हाथ में से छूटे और नीचे गिरे जरा से उसमें लीटे पड़ गए तो भी तीन दिन तक भोजन भावे। क्योंकि लय होने का दुख है। भगवान ने पूरे सोना की द्वारिका बनाई और पूरे सोना की द्वारिका को जल में डुबो दी पर भगवान को दुख नहीं हुआ। यहां भगवान का सर्जन पालन और लय कैसा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने मां के संग समुद्र किनारे पे खेलने के लिए गया और समुद्र की मिट्टी में खेलते खेलते उसने घर बनाया। फिर कहा देखो ये मेरा कमरा है, ये मेरा स्टडी रूम है, ये मेरे वो रूम है, मेरा ये है, सब कुछ बनाया सुंदर घर। लेकिन भैया ने कहा चलो जाने का टाइम हो गया तो उसी घर को उसने कूद कूद के तोड़ भी दिया। सर्जन किया उसमें उसको मोह नहीं है, पालन किया उसका मद नहीं है और आज लय किया उसका उसे दुख भी नहीं है। तो जो सर्जन पालन और लय करे वो भगवान। तो मुझे बताओ भगवान का कार्य पसंद आ रहा है? हाँ के ना तो बोलो। हाँ तो फिर बात आके चढ़ाऊं। देखो स्वरूप का परिचय प्राप्त किया, कार्य का परिचय प्राप्त किया। अब देखो देखने में अच्छा हो कार्य भी अच्छे हो लेकिन तीसरी बात कहां आके अटके। बोले स्वभाव ऐसा हो कि भोजन में जरा सा नमक कम हो और सीधी थाली फेंके तो बात जमेगी। हाँ तो तीसरी बात आके कहां अटके कि उसका स्वभाव कैसा है।
तो कहा कृपा करके बताओ व्यास जी हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है। तो कहा तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। भक्तों के जीवन में आए त्रिविध तापों को दूर करना ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। देखो एक होता है शौक और एक होता है स्वभाव। शौक किसको कहते हैं? हॉबी। करने की इच्छा हो तो करे और करने की इच्छा न हो तो न करे, उसे कहते हैं शौक। लेकिन भक्तों के त्रिविध तापों को दूर करना ये भगवान का शौक नहीं, ये भगवान की आदत है। और आदत किसको कहते हैं? न करने की इच्छा हो फिर भी कर बैठे उसको कहते हैं स्वभाव। कोई कैसा भी अधम जीव क्यों ना हो प्रभु के चरण शरण में आवे प्रभु पहले तो कहें ये तो अधम जीव है, अनेक गलत काम किए हैं, इसको शरण में नहीं लेना है, इसको शरण में नहीं लेना है, इस पे कृपा नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही जीव आके प्रभु के चरणों को पकड़ के बैठ जावे और हमारे प्रभु सबसे अधिक उसी के ऊपर बरस पड़े ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। जब भगवान ने काली नाग को नाथा, काली नाग की पत्नियां नाग पत्नियां ऊपर आ गई और कहने लगी प्रभु अब आप इस काली का क्या करोगे। तब उन बातों को सुन के भगवान ने कहा मैं इस काली को दंड दूंगा। ये सुन के नाग पत्नियां हंसने लगी। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं तुम्हारे पति को दंड दूंगा और तुम हंस रही हो। तब नाग पत्नियों ने कहा कृपानाथ जितना आप अपने आप को नहीं जानते प्रभु इतना हम भक्त आपको जानते हैं। प्रभु आप कह रहे हो कि आप काली को दंड दोगे पर हम ये जानती हैं कि प्रभु आपको दंड देना आता ही नहीं, आपको तो मात्र कृपा करना आता है। प्रभु ने कहा क्या कह रही हो मुझे दंड देना नहीं आता। बोले नहीं आता। प्रभु ने कहा अच्छा देखो अभी मैं दंड देता हूं। ये विचार करके भगवान ने छलांग लगाई, काली की फणाओं के ऊपर खड़े हो गए और जोर जोर से अपने चरणों से काली की फणाओं पे प्रहार करने लगे और कहा देखो दंड दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के विनती करी कृपानाथ जिस चरण की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी तरसे ये चरण उन्हें न मिले, जिस चरणारविंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवताएं हजारों साल तपस्या करें ये चरण उन्हें भी न मिले, और स्वेच्छा से आपने वो दोनों चरणारविंद काली के माथे पधरा दिए तो प्रभु ये दंड हुआ या आपकी कृपा हुई। भले प्रभु आप कहते हो कि आप किसी को दंड देते हो पर हम ये जानती हैं आपको दंड देना आता नहीं, आपको तो सिर्फ कृपा करना आता है। भगवान ने कहा अच्छी ऐसी बात है। भगवान ने छलांग लगाई नीचे आए और नीचे आके अपने हाथों से काली के माथे प्रहार करने लगे और कहें देखो ये दंड दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। नाग पत्नियों ने कहा कृपानाथ आगे गोपी गीत के अंदर गोपियां गा गा के थक जाएंगी कि आपका श्रीहस्त माथे पधराओ, श्रीहस्त माथे पधराओ। और वो श्रीहस्त आपने उन गोपियों के माथे भी नहीं पधराया और वही श्रीहस्त आपने काली के माथे पधरा दिया तो प्रभु ये दंड है कि कृपा है। भले आप कहते हो कि आप किसी को दंड दो पर हम ये जानती हैं कि प्रभु आप तो सिर्फ कृपा करना जानते हो। और हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है कि लेश मात्र ताप भी भक्तों के मन में जागे प्रभु सहन नहीं कर सकते। कहते हैं ना ब्रज में एक नई नई गोपी ब्याह के आई और उसने ब्याह इसीलिए किया कि मेरा ससुराल है उस जगह पे जहां शाम को प्रभु रोज गैया चरा के आते हैं। उसने ना लड़का देखा ना परिवार देखा ना घर देखा, सिर्फ इतना देखा कि मेरा ससुराल वहां है जहां से शाम को रोज प्रभु गाय चरा के आवे और वहां ब्याह के जाऊंगी तो नित्य प्रभु के दर्शन मुझे हो जाएंगे और उससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। और प्रभु के दर्शन हो जाएंगे उससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। और ये सोच के उसने ब्याह कर लिया। लेकिन ब्याह के आई उसी दिन, ब्याह के आई उसी दिन उसकी सास की सहेली ने उसे कह दिया, बोले क्या देख संभालना ये नई नई ब्याह के बहू आई है घर में, लेकिन एक ध्यान रखना कि वो श्याम सुंदर के ऊपर दृष्टि न पड़ जावे। बोले क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के ऊपर जो दृष्टि पड़ी तो फिर तेरे काम की रहेगी नहीं। और जैसे ही शाम
होने को आई और प्रभु गाय चरा के आ रहे थे और सास ने कहा देखो मेरे प्रभु के आने का समय हो गया और वो बहू भी सुंदर श्रृंगार करने लगी, तैयार होने लगी कि आज मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे सास के संग आने लगी, सास ने कहा मैं तो जाऊंगी पर तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू अंदर कमरे में जा। और उसे तो इतना दुख हुआ कि मैं ब्याह के आई थी इस घर में इसलिए कि प्रभु के दर्शन हो जाए और अंदर मुझे भेज दिया। अंदर भेजा इतना ही नहीं, बाहर ताला लगा दिया। और सास को दर्शन करने गई और फिर जब प्रभु के दर्शन करे ताला खोला और भी कहने लगी देखो तो सही आज प्रभु कैसे सुंदर लग रहे थे, कैसी घुंघराली लटे आपके मुख में आ रही थी, कैसा सुंदर पीताम्बर, कैसी सुंदर वनमाला धारण करी थी। और बहू को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि प्रभु आपके दर्शन सभी को हों लेकिन सिर्फ मुझे क्यों नहीं होते। दूसरा दिन भी हुआ, तीसरा दिन भी हुआ और करते करते रोज सास आके वर्णन करती और बहू को इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ, प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए यहां आई हूं और क्या प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे। और इतना ताप जब हुआ तो कहते हैं प्रभु का रुदन करते करते वो कमरे के अंदर मूर्छित होके गिर पड़ी। आज सास जब दर्शन करने गई तो इतनी हवा चली कि उस आंधी में उसे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, पर प्रभु का इतना ताप बहू को हुआ, इतना ताप हुआ कि मूर्छित होके नीचे गिरी और उसे स्वप्न में प्रभु के दर्शन हो गए। रोज का नियम था कि सास किवाड़ खोलती और वर्णन करती आज प्रभु ने ये धारण किया था, वो धारण किया था, लेकिन आज सास को दर्शन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला और बहू कहने लगी आज तो मेरे प्रभु कैसे सुंदर लग रहे थे, ऐसी सुंदर वनमाला धरी थी, ऐसा सुंदर मुकुट धरा था, ऐसे प्रभु ने अपने घुंघराले केश बांधे हुए थे। और सास सुन के चौंक गई कि इसको दर्शन कहां से हुए, जरूर कमरे में कोई दरार हो गई है, उसमें से उसने देख लिया होगा। और मेरी सहेली ने मुझे सावधान किया था कि नई नई बहू आई है ध्यान रखना कहीं प्रभु पे दृष्टि ना पड़ जाए वरना तुम्हारे काम की रहेगी नहीं। अब दूसरे दिन भी ऐसा हो गया कि सास जावे उसे दर्शन ना हो और बहू को कमरे के अंदर दर्शन हो जावे। अब बहू को लगा जरूर गड़बड़ लग रही है, कमरे में कहीं कोई दरार वरार है। और आज जब प्रभु गाय चरा के आ रहे थे तो बहू ने कहा अरे मैया अब मेरा कमरे के भीतर जाने का टाइम हो गया, आप ताला लगा दो। सास ने कहा आ तू भीतर नहीं जाएगी, मेरे संग चलेगी ताकि तेरे पे नजर रहे। बहू को लगा अरे आज मुझे सास जी खुद लेके जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, लेकिन सास ने कुछ और सोचा हुआ था। जैसे ही प्रभु सामने से आए सभी लोग व्याकुल हो गए कि प्रभु पधारे, प्रभु पधारे। वहां बहू भी व्याकुल हो गई कि आज मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और ऐसी प्रसन्न हो रही थी। और जैसे ही प्रभु पास में आए सास ने कहा अब ऐसे कर तू मेरे तरफ चेहरा करके प्रभु की तरफ पीट करके खड़ी हो जा, तेरे पे मेरी दृष्टि भी रहे, मुझे प्रभु के दर्शन भी हो जाए और तेरे पे नजर भी रहे कि तू प्रभु को देख रही है कि नहीं देख रही है। अब वो भी सोचने लगी प्रभु कैसी परीक्षा, आप पास में से गुजर रहे हो, पीछे से गुजर रहे हो, सब आपको देखें, सिर्फ मैं आपको ना देख सकूं। और सास ने बराबर बहू को आगे खड़ा कर दिया, बहू की दृष्टि सास के ऊपर, सास की दृष्टि प्रभु के ऊपर। और जैसे ही प्रभु पीछे से गुजरे प्रभु को भी लगा ये कौन सखी है जो मेरी तरफ पीट करके खड़ी है। लेकिन जैसे ही पीछे से गुजरे और बहू को इतना ताप हुआ कि जैसे प्रभु पीछे से गुजरे और सास की आंखों में प्रभु के दर्शन बहू को हो गए। और जैसे सास की आंखों में प्रभु के दर्शन हुए और बहू ने कहा मैया स्वप्न में तो प्रभु के अनेक बार दर्शन किए पर आज जैसे दर्शन प्रभु के आपके नेत्रों में हो रहे हैं वैसे दर्शन कभी नहीं किए। और सास को लगा मेरी आंखों में प्रभु के दर्शन कर रही है तो डर के सास ने आंखें बंद कर दी। और जैसे ही आंखें बंद करे और बहू ने पीछे मुड़ के प्रभु के दर्शन कर लिए। और प्रभु के जैसे ही दर्शन करे और ऐसी पागल सी हो गई, जो डर था वही हुआ। हाँ, और कहते हैं ना, और बहू ने पूछा अरे अब तेरी क्या दशा हो गई है, सखी आके पूछती तूने क्या दशा हो गई। बोले क्या करूं, जब से प्रभु के दर्शन सुने, दर्शन करे और प्रभु की बांसुरी सुनी तब से मेरा मन मेरा नहीं रहा। बोले क्या देखा तूने, कैसे दर्शन किए। और तब गोपी वर्णन करते हुए कहती है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है,
मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी, घायल कर जाती है ऐ शाम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। भाव से तालियां बजाते बजाते, कैसे दर्शन हमको भी हो और ऐसे चित्त प्रभु हमारा भी चुरा ले। को चिंता हुई, ये बांसुरी तो बांस की है, यदि सोने की होती तो पता नहीं क्या गजब ढाती। और वर्णन करते हुए कहते हैं, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके, इतना तरसाती है शाम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। जय हो। सबकी तालियां भाव से। हमारे प्रभु गीता भी सुनाते हो, गौ भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, होली के उत्सव की, होली के उत्सव की क्षमा हमको शाम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। देखो मुस्कान तेरी मीठी,
मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। हो सभी की तालियां भाव से। करते ओ गिरधर, गोपी को चिंता हुई, यदि गोरे होते तो क्या करते ओ गिरधर। जब श्याम रंग पे श्याम रंग पे दुनिया मर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। और जहां पूछा ऐसे प्रभु का नाम क्या है तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन कर रहे हैं और प्रथम श्लोक के अंदर भगवान को वंदन करके द्वितीय श्लोक के अंदर भागवत के उत्तम वक्ता ऐसे सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। और कैसे सुखदेव जी महाराज, यम प्रव्रजंत मनुपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु सं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। भागवत के उत्तम वक्ता ऐसे सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। और कैसे सुखदेव जी महाराज, यम प्रव्रजंतम, पिता का आश्रम छोड़ के जो भाग रहे और पीछे पीछे पुत्र मोह में व्यास जी भाग रहे हैं, हे पुत्र ठहर जा, हे पुत्र ठहर जा। कई लोग अर्थ करते हैं प्रव्रजंतम ब्रजगतौ धातु है, और कई लोग अर्थ करते हैं कि सुखदेव जी महाराज संन्यास की कामना को लेके और भाग रहे हैं, संन्यास की कामना को लेके दौड़ रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज संन्यास की कामना से नहीं, वैराग्य की कामना के कारण नहीं, पर संग दोष के कारण पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे। संग दोष के कारण यानी क्या, अपन को लगता वो तो व्यास जी के आश्रम में थे और व्यास जी के आश्रम में तो बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े वैष्णव और बड़े बड़े भक्त ही आते थे,
तो ऐसे आश्रम को छोड़ के भागने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जहां नित्य सत्संग था, जहां नित्य संतों का संग था, जहां नित्य वैष्णव जनों का संग था, तो ऐसे आश्रम को लेके क्यों भागे। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जब जब दुस्संग बाधक होता है ना, वैसे कभी कभी संग भी बाधक हो जाता है। और संग बाधक किसको कहते हैं? आप रोज किसी के संग दर्शन करने जाते हो और आज रोज के नियम के हिसाब से आप उनके पास गए और कहा चलो दर्शन करने चलें, और उसने कह दिया कि आज मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं दर्शन करने नहीं आ सकती, और आप ये सुन के कहो कि तू दर्शन करने नहीं जा रही तो मैं भी, बहुत बढ़िया। देखो इसे कहते हैं संग दोष। मुझे लगा कहोगे फिर भी जाऊंगी, पर तू दर्शन करने न जावे तो मैं भी नहीं जाऊं, तो उसको क्या कहते हैं? संग दोष, जो भगवत सत्संग और भगवत दर्शन छुड़ावे। तो जैसे दुस्संग बाधक होता है, वैसे कभी कभी संग भी बाधक हो जाता है। और उस संग दोष से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं। पीछे पीछे सुखदेव व्यास जी, हे पुत्र ठहर जा, हे पुत्र ठहर जा, पर सर्वभूत हृदय है, अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लेकिन सर्वभूत आत्मा है, इसलिए गुप्त रूप से हर एक वृक्षों के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। और जैसे ही व्यास जी वन में गए, क्या देखा? सारे वृक्ष हिलने लगे और ऊपर से फल गिरने लगे, और जैसे फल गिरने लगे, और मानो वृक्ष व्यास जी से कह रहे हैं कि जिसको पाल के पोस के बड़ा किया, ऐसे हम में लगे हमारे फल, हमारे पुत्र रूप हैं, लेकिन वो हम स्वयं नहीं खाते पर विश्व के कल्याण के लिए दे देते हैं। वैसे ही हे व्यास जी, आपकी साधना का परिपक्व फल यानी ये सुखदेव जी महाराज हैं, अब इनका मोह छोड़ो और विश्व कल्याण के लिए इन्हें जाने दो। ऐसे सुखदेव जी को वंदन किया, और आगे अपन को अब ले जा रहे हैं नैमिषारण्य के अंदर, के जहां 18 पुराणों की कथा हुई। और ऐसा नैमिषारण्य, वहां वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय देते हुए कहते हैं, नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। देखो नैमिषारण्य के अंदर सूत जी विराजे हैं, और सूत जी के पास आके शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी कौन है? बोले वक्ता। और शौनक जी कौन है? बोले श्रोता। अब देखो वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय बड़ा सुंदर दिया। वक्ता है सूत जी, उनके लिए विशेषण दिया महामतिम, जिसकी महामति हो वक्ता। और श्रोता कौन? कथामृत रसास्वाद कुशलः, कि जिसको कथा सुनने की कला आती हो, जिसने कथा सुनने की कला सीख ली हो, उसे कहते हैं श्रोता। और महामति जिसकी हो उसे कहते हैं वक्ता। और महामति वक्ता किसको कहते हैं? कि जब बोले तो शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करके सामने वाले को कंफ्यूज ना करे, पर सामने वाले समझने के जितने अधिकारी हो उन हिसाब से उनके आगे बात करनी चाहिए। दूसरा कहते हैं कई बार औरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, पर श्रोताओं को प्रकाशित करने के लिए जो बोले वो वक्ता। कई बार क्या होती है, इतनी बड़ी 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 बातें होती हैं कि जब यहां से जाओ बोले बड़ा आनंद आया, बोले क्या बोले, बोले वो पता नहीं, श्रवण करने में बड़ा आनंद आया, बोले क्या कुछ याद रहा, बोले वो पता नहीं। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे और सामने वाले तक पहुंचे नहीं, तो फिर आपका बैठना और हमारा बोलना कुछ काम का नहीं रहा। कहते ना कि एक बार बहुत बड़े वक्ता थे, और कहते हैं कि जो भी वक्ता जहां जाते लाखों लाखों की भीड़ होती, और वो जिस गांव के अंदर गए कुछ गड़बड़ हुई, और कहते हैं कि सुनने के लिए सिर्फ एक आदमी बैठा था। अब वक्ता ने कहा ये तो सिर्फ एक आदमी बैठा है, इसके आगे मैं क्या बोलूं। लेकिन वो अकेला आया हुआ जो आदमी था वो एक ग्वाला था, और ग्वाले ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, तो वक्ता को लगा कि अब ये सुन के तो मुझे उसको सुनाना पड़ेगा। बोले वक्ता ने कहा मैं तुम्हारे क्या बोलूं, तो उस एक आए व्यक्ति ने कहा कि मैं ग्वाला हूं, और हमने 100 गाय के लिए घास निकाल के रखा हो, और उसमें से कोई एक गाय पहली आ जावे
तो हम उसे भूखी नहीं रखते, उसे घास खिलाते हैं। और ये बात वक्ता को बड़ी असर कर गई, बात सही है। ये अकेला आया है पर आया तो है, और कहते हैं उसको जहां बोलने की शुरुआत वक्ता ने करी, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, वेद, उपनिषद, पुराण, सारी शास्त्रों की व्याख्या उसको सुना दी। और तीन घंटे के बाद जब प्रवचन पूरा हुआ, उस ग्वाले ने कहा मैं धन्य हो गया। तब वक्ता ने कहा तुझे कुछ समझ में आया? उसने कहा बस इतना समझ में आया कि मैंने कुछ कहने में आपको गलती कर दी। बोले क्या? मैंने कहा था कि 100 गाय के लिए घास निकाल के रखा हो और अकेली गाय आवे तो उसे हम भूखी वापस नहीं जाने देते, पर यह कहना रह गया कि अकेली आई गाय को 100 गाय का इकट्ठा खिला नहीं देते। ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई, न कभी सुना ऐसा, सब सुनना पड़ा। तो वक्ता किसको कहते हैं? जो श्रोता के अधिकार तक आके उसको वर्णन करे वो वक्ता। और श्रोता किसको कहते हैं? किस जिसे सुनने की कला आ गई है। और सुनने की कला आ गई इसका मतलब क्या? सिर्फ कानों से सुना ही सुना नहीं कहा जाता, जब रोम रोम श्रवण करने लगे। श्रोता कैसे होता है? बोले उस रुई की तरह, जब उस रुई को इत्र के अंदर डुबोते हो तो इत्र के अंदर डूब के रुई का जैसे एक एक तार महकने लगता है, वैसे भागवत कथा के अंदर जो ऐसे डूबे कि कथा के रस से उसका भी एक एक तार महकने लगे, तब मानो उसे सुनने की कला आ गई है। जो वक्ता जो कहे वो तो सुने, लेकिन जो बातें शब्दों से नहीं कही जाती उसे भी जो सुनने लगे, वक्ता के हाव भाव से जो सुनने लगे उसे कहते हैं श्रोता। और आके प्रश्न किया, कृपा करके बताओ, अज्ञान द्वान्त विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हाथ जोड़ के सौनक जी ने प्रश्न किया और कहा कृपा करके बताओ, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य समान है लेकिन हमारे जीवन में अज्ञान है। प्रभु कृपा करके कोई ऐसा औषधि हमको दो, ऐसा कथामृत हमको दो जो हमारे लिए रसायन हो। देखो शास्त्रों में और आयुर्वेद में दो वस्तु होती है, एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। कितने शब्द कहे मैंने, कौन कौन से? औषधि किसको कहते हैं? जिससे रोग मिटाया जाए उसे कहते हैं औषधि, और मिटा हुआ रोग वापस ना आ जाए उसके लिए जिसका सेवन किया जाता है उसे कहते हैं रसायन। यहां कहता हूं ऐसी कथा आप सुनाओ जो हमारे कान के लिए मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए रसायन रूप हो, यानी जो भवरोग को हमने दूर कर दिया है वो भवरोग फिर से हमको परेशान न करे। कृपा करके बताओ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इनसे प्राप्त होने वाले विवेक, उसकी वृद्धि कैसे हो? ये सारे प्रश्न पूछे सौनक जी ने और कहा कि आप तो गुरु हो, और यदि हम गुरु से न पूछें तो किससे पूछेंगे? और गुरु ही हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो और कौन देगा? और शास्त्रों में तो कहा गया है यदि भगवान भी किसी को मिले तो प्रसन्न हो के क्या देंगे? बोले वैकुंठ देंगे, लेकिन गुरु रिझे तो स्वयं वैकुंठ नाथ को जीव को दे देता है। भगवान मिले तो वैकुंठ देंगे, लेकिन गुरु मिले तो वैकुंठ नाथ अपन को दे देंगे। तो भगवान को भी देने की योग्यता जिसके पास है उसे गुरु कहते हैं। कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का समाधान करो। और इस प्रसंग में मैं कई बार कहता हूं कि अपने वहां गुरु को भी क्या कहा जाता है। देखो यहां क्या कहा कि यदि किसी को चिंतामणि मिल जावे तो चिंतामणि ज्यादातर दे दे के क्या देगी? बोले लौकिक के सुख। यदि किसी को कल्पवृक्ष मिल जावे तो कल्पवृक्ष भी दे दे के क्या देगा? बोले स्वर्ग के सुख। पर यदि किसी को गुरु मिल गए तो योगियों को भी दुर्लभ ऐसे भगवान वो दे देते हैं। लेकिन इस विषय पे आने पे मैं हमेशा कहता हूं, कई बार अपने मन में प्रश्न जगता है कि हमारे गुरु भी चिंतामणि की तरह हैं, हमारे प्रभु भी चिंतामणि हैं, और चिंतामणि किसको कहते हैं? चिंतामणि किसको कहते हैं कि जिसके पास जाके जो भी कामना करो और कामना करते ही आपको वस्तु दे दे उसको कहते हैं चिंतामणि। चिंतामणि किसको कहते हैं? जिसके पास जाके कामना करो और कामना करते ही आपको वस्तु दे देवे उसको क्या कहते हैं? चिंतामणि। पर अपन को लगता है गुरु के पास जाके कई बार अपन विनती करें,
गुरु देवे न देवे, प्रभु के पास विनती करें, लेकिन प्रभु भी देते हैं कई बार नहीं देते हैं। और यदि ऐसा होता है तो गुरु को और प्रभु को चिंतामणि क्यों कहा जाता है? तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो, चिंतामणि यदि रीझे तो लौकिक सुख देंगे, पर गुरु कौन है? बोले वो चिंतामणि नहीं, वो चतुर चिंतामणि है। और चतुर चिंतामणि किसको कहते हैं? कि जो आप मांगोगे वो नहीं देंगे, पर जिसमें आपका कल्याण होगा वो देंगे। इसका मतलब क्या? देखो, कई बार आपके मन में प्रश्न आता होगा कि और लोगों को तो प्रभु तरन सब कुछ दे देते हैं, हम इतनी इतनी विनती करते हैं, इतना इतना निवेदन करते हैं, लेकिन भगवान हरेक को देते हैं पर हमको क्यों नहीं देते? तो देखो, ये दो प्रश्न अपने आप से पूछ लेना। बोले क्या? कि जब जब भी आप प्रभु से कुछ मांगो और आपको न मिले, तो ये प्रश्न अपने आप से पूछना कि मेरे मन को जो अच्छा लगे वो प्रभु मुझे देवे ये अच्छा, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु मुझे देवे ये अच्छा। दो प्रश्न अपने आप से पूछने, कौन कौन से? जब कोई वस्तु की कामना अपन प्रभु के पास करें और वस्तु हमें न मिले, तो कौन से दो प्रश्न अपने आप को पूछने हैं? मेरे मन को जो अच्छा लगे वो मुझे मिले ये अच्छा, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु मुझे देवे ये अच्छा। इस तरफ कौन से दो प्रश्न अपने आप से पूछने हैं? जब कोई भी वस्तु के लिए आप प्रयत्न करो और वस्तु न मिले, तो ये दो प्रश्न अपने आप से पूछने हैं। पहला कौन सा? कि मेरे मन को जो चाहिए वो प्रभु मुझे दे देवे ये अच्छा कहा जाए, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु मुझे देवे वो अच्छा कहा जाए। पहला वाला या दूसरा वाला? अच्छा, तो मेरे मन को जो अच्छा लगे वो प्रभु देवे, इसमें कोई है क्या? पीछे वाले और पीछे वाले, बहुत बढ़िया। ये साइड वाले, तो यहां बैठे हुए हर कोई कह रहे हैं कि हमारे मन को जो अच्छा लगे वो हमको नहीं चाहिए, पर हमारे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु हमें दे वही चाहिए। तो मैं सही समझा हूं या समझने मेरी गलती हुई है? तो यहां बैठे हुए हर कोई कह रहे हैं कि प्रभु हमारे मन को अच्छा लगे वो मत देना, हमारे लिए जो अच्छा हो वही देना। तो सही समझाऊं ना मैं? हां, प्रभु को अभी बड़ी हंसी आ रही होगी। बोले क्यों? बोले यहां तो कथा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि प्रभु हमको जो चाहिए वो मत देना, हमारे लिए जो अच्छा हो वही देना। प्रभु के यहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर जीवन भर मेरे पास आके फरियाद किस बात की करते हो कि मेरे मन को जो चाहिए था वो क्यों नहीं दिया, मेरे मन को जो चाहिए वो क्यों नहीं दिया? तो प्रभु कहते हैं तू लाख फरियाद कर, पर मैं वो नहीं दूंगा जो तुझे चाहिए, मैं तुझे वही दूंगा कि जिसके तेरा कल्याण होने वाला हो। एक छोटा सा बच्चा हाथ में चक्कू लेके खेल रहा हो, उसकी मां देखेगी तो छीन लेगी, नहीं मानेगा तो चांटा मार के भी ले लेगी, तब बच्चे को लगेगा कि मेरी मां है या मेरी दुश्मन है? जिस वस्तु से खेलने में मुझे आनंद आ रहा था, ये वस्तु मेरी मां ने क्यों छीन ली? क्योंकि मां जानती है कि जो वस्तु इसे अभी आनंद दे रही है वो वस्तु उसे बहुत बड़ी समस्या बाद में दे सकती है, इसलिए मार के भी चक्कू छीन लेते हैं। इसलिए प्रभु वो नहीं देते जो हमको चाहिए, प्रभु वही देते हैं कि जिसमें जीव का कल्याण होता है। तो पूछा, कृपा करके बताओ अब सभी का सार क्या है? और तब सौनक जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। सूत जी, इस श्लोक के अंदर कलिकाल के हम जैसे सभी जीवों की अवस्था बताते हैं।
और अवस्था बताते हुए क्या कहते हैं कि ये जगत के जितने भी मनुष्य हैं इसमें हम सभी की बात आ गई। और हम सभी की अवस्था कैसी है, जैसे काल रूपी सर्प ने, देखो सर्प काल को किसकी उपमा दी जाए, सर्प की। बोले क्यों, आप बैठे हो सामने से कोई बड़ा प्राणी आवे आप सावधान हो सकते हो, लेकिन कहीं खड़े हो कहां से सर्प आ जाए हमें पता नहीं चलता। तो वैसे ही ये काल भी सर्प रूप है और काल रूपी सर्प ने अपना मुख खोला हुआ है और हम सभी के मुख उस काल रूपी सर्प के मुख के अंदर है। एक घड़ी की देर लगेगी, उसने जैसे ही अपना मुख बंद किया और अपना खेल खत्म। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम सभी के मुख उस काल रूपी सर्प के मुख के अंदर हैं, पर बाहर रहे दोनों हाथों से दुनिया की वस्तु बटोरने में लगे हैं। ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी इकट्ठा कर लें, ये भी पा लें, वो भी पा लें। अरे एक घड़ी लगेगी, मुख बंद किया और अपना सब कुछ खेल खत्म। कई लोग कहते हैं बेचारे परीक्षित के पास मात्र 7 दिन थे, पर मैं तो ये कहता हूं कि परीक्षित से भाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि उसके पास मात्र 7 दिन थे, पर इसलिए कि उसके पास गारंटी थी कि 7 दिन के अंदर मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हा? अपने पास कोई ऐसी गारंटी है, कोई सही सिक्का करवा के लाए हो ऊपर से, कोई अग्रीमेंट करके लायो, करके लाए हो तो कहना मुझे। कोई अग्रीमेंट करके नहीं लाए, जीवन में अगली क्षण अपन है कि नहीं है ये भी भरोसा नहीं है, लेकिन निश्चिंत होके घूम रहे हैं। मुझे याद है वर्षों पहले कहीं हम युवाओं की शिविर करते हैं तो कहीं शिविर रखी हुई थी और मैं रोज एक दिन पहले उनको होमवर्क देता और होमवर्क करके दूसरे दिन सभी को आके बोलना होता था। तो मैंने उनसे एक प्रश्न दिया, क्या तुमको चिंतन करना है और कल आके यहां पे बोलना है। और होमवर्क मैंने ये दिया कि यदि आज सुबह तुम उठे और तुम्हें पता चले कि आज के 24 घंटे मेरे जीवन के आखिरी 24 घंटे हैं, तो तुम वो कौन से 5 काम करना चाहोगे, एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु के लिए, अपने धर्म के लिए और समाज के लिए, ये कौन से 5 कार्य होंगे जो तुम करना चाहोगे, आज चिंतन करना है और कल आके एक एक को यहां बोलना है। और कहते हैं दूसरे दिन जब वो आए सभी की आंखें सूजी हुई थी और देख के लग रहा था कि पूरी रात सोई नहीं है। और जब एक एक को बोलने के लिए खड़ा किया गया सब कह रहे थे कि जे आज से 5 वर्ष के बाद क्या करने वाले हैं उसके प्लानिंग हमारे पास है, आज से 10 वर्ष के बाद मुझे क्या करना है इसकी पूरी योजना मेरे पास है, लेकिन आज का दिन यदि मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा तो मैं क्या करूंगा, शायद ये सोचने में ही पूरा दिन मेरा निकल जाएगा। लोगों के हाथ धूजने लगे, हाथ कांपने लगे, वो लिख नहीं पाए, बोले आगे का तो बहुत प्लानिंग किया पर आज का दिन मेरा दिन अंतिम हो तो मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और देखो जीवन का क्या भरोसा, किस घड़ी अपने जीवन की अंतिम घड़ी हो अपन जानते नहीं है। और इसलिए कहा कि हर एक जीव काल के मुक्का निवाला बना हुआ है और काल के मुख से बचाने वाला शास्त्र कोई हो तो वो श्रीमद् भागवत है। कहा यदि इतना सरल हो कि काल के मुख से बचाने वाला भागवत है तो जगत के सभी लोग ये भागवत जी का श्रवण क्यों नहीं कर लेते, तो उनने कहा सब लोग श्रवण नहीं कर सकते। बोले क्यों, तो कहा एतस्माद् परम किंचि मन शुद्धैर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम् लभे। भागवत जी का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं ते तस्माद् परम किंचिन मन शुद्धैर्न विद्यते, बोले मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत से बढ़कर और कोई नहीं है। हजारों बार जाके वन में तप करो, हजारों जप करो, हजारों बार व्रत करो, हजारों बार होम करो, लेकिन भागवत जी के श्रवण से जैसा मन शुद्ध होता है
वैसा शुद्ध और कोई साधन से नहीं हो सकता। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कथा में भी आके बैठे हो ना, तब ये चार कृपा हो तब कथा सुनी जाती है। और कहते हैं ना, तीन की बात मैं करूं, तीन कृपा शायद बहुत जल्दी हो जावे। बोले कौन? हरि की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा। लेकिन ये चौथी कृपा न हो तो आप यहां बैठ के भी कथा श्रवण नहीं कर सकते। पहली कृपा कौन की? बोले प्रभु की, वो तो कृपालु है, कृपा कर देवे। दूसरी कृपा किसकी? बोले गुरु की, वो भी कृपा कर देवे। तीसरी कृपा किसकी? बोले वैष्णव की, वो भी कृपा कर देवे। लेकिन चौथी कृपा जब तक न हो यहां बैठ के भी सुन नहीं सके। और वो चौथी कृपा कौन की है? बोले अपने मन की कृपा। किसकी कृपा? आपका शरीर यहां बैठ गया है लेकिन मन भी यहां बैठा हो उसकी कोई गारंटी? बैठे यहां आके लेकिन मन गया आपके घर पे, मन गया दुकानों में, मन गया वहां पे, तो जब मन की कृपा भी हो तब यहां आप बैठ के श्रवण कर पावे। और मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत से बढ़कर और कुछ नहीं है। तब कहा कि यदि इतना सरल हो कि भागवत का श्रवण कर लो तो फिर कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है। जब इतना सरल हो तो जगत के सभी लोग भागवत जी का श्रवण क्यों नहीं कर लेते? यदि मन को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय श्रीमद् भागवत है तो जगत के सभी लोग भागवत का श्रवण क्यों नहीं कर लेते? तब कहा कि अपनी इच्छा से भागवत का श्रवण जल्दी कोई कर भी नहीं सकता। बोले क्यों? जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसे कोई अपनी इच्छा से या अपने प्रयत्न से भागवत का श्रवण नहीं कर सकता। जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जीव आके भागवत के अंदर बैठता है। मैं हमेशा कहता हूं देखो, आप अपनी इच्छा से यहां आके बैठे नहीं हो। जब ये पांच वस्तु मिलती हैं, तब जीव भागवत में आके बैठता है। बोले प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, अपने बड़ों की कृपा, गए जन्म के पुण्य और इस जन्म का अनुकूल समय, ये पांच वस्तु मिले तब जीव भागवत में आके बैठे। और आज अब आप भागवत में आके बैठे हो ना, तो एक वस्तु निश्चित मानना कि भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर है। जब भागवत में आके बैठे हो तो प्रभु से ये मत कहना प्रभु कब कृपा करोगे। प्रभु कहते हैं तू भागवत में आके बैठा है और पूछ रहा है कृपा कब करोगे। अरे तेरा यहां पे आना और आके यहां बैठना ये और कुछ नहीं, मेरा तुझे दिया हुआ प्रमाण पत्र है कि मैं तेरे ऊपर बरस चुका हूं, मेरी कृपा के कलश तुझ पे ढोल चुका हूं। इसके बिना भागवत में आके बैठ नहीं सकते। देखो यहां वो नहीं आ सकता जो आने की इच्छा करता है, यहां वही आ सकता है कि जिसको बुलाने की इच्छा हमारे श्री जी की होती है। कई लोग होंगे जिन्होंने सब कुछ प्लान किया होगा, आ न पाए होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कोई प्लानिंग नहीं होगा और पहुंच गए होंगे। यहां अपने प्लानिंग नहीं चलते, यहां उनके प्लानिंग चलते हैं। इसलिए कह दिया जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय हो तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ मिले। और कहते हैं कि जब ये कथा कैसी है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब विमान में तब देवताएं आ गए अमृत का कलश लेके और कहने लगे कि देख परीक्षित, तुम्हें मृत्यु का भय है, ये स्वर्ग का अमृत हम तुम्हें दे देते हैं लेकिन कथामृत तुम हमको दे दो। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कृपानाथ आप कथामृत का श्रवण करवा रहे हो और ये देवता लोग अमृत लेके आए हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये अमृत तुम ले लो, कथामृत मुझे दे दो, लेकिन कृपा करके बताओ कि ये स्वर्ग का अमृत मुझे क्या देगा और कथामृत मुझे क्या देगा। शिवदेव जी कहते हैं देख परीक्षित, यदि तुझे मृत्यु से ही बचना है तो भले तू स्वर्ग का अमृत पी ले। कहा नहीं कृपानाथ, मुझे बताओ आप कि स्वर्ग का अमृत मुझे क्या देगा और कथामृत क्या देगा। और तब शिवदेव जी ने कहा परीक्षित, ये स्वर्ग का अमृत तुझे अमर बना देगा लेकिन ये कथामृत तुझे अभय बना देगा। और तब परीक्षित ने कहा डर डर के लाखों वर्ष जीवन जीना इससे तो अच्छा है निर्भय बन के मैं 7 दिन जीवन जीना उसे श्रेष्ठ मानता हूं। और स्वर्ग के अमृत का त्याग करके परीक्षित ने कथामृत को अपनाया। और 7 दिन में जब इस कथा से उद्धार हुआ, ब्रह्मा जी ने विचार किया मोक्ष देने वाले इतने सारे साधन
शास्त्रों में बताए गए हैं, तो उन सभी साधनों में भागवत जी की महत्ता इतनी कैसे बढ़ गई? और ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा तराजू बनाया, तराजू के एक पलड़े में पधराया भागवत जी को और एक पलड़े में पधराया मोक्ष देने वाले साधनों को, तो जो भारी था वो भागवत जी अपने मध्य में रह गए और जो हल्का था वो गया आकाश में। कहा कि ये वो कथा है जो नारद जी ने भी विधि पूर्वक सुनी है, तो कहा कृपा करके बताओ, नारद जी तो सदा कहीं टिकते ही नहीं है, लोक कल्याण के लिए घूमते ही रहते हैं, तो नारद जी ने कहां कथा सुनी ये हमको बताओ। तब वो वर्णन करते हुए कहते हैं, अत्रते केतयेषा भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्य विचार्य च। अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो मेरे गुरु शुकदेव जी महाराज ने मुझे अपना अंतरंग शिष्य मान के कही थी। और कहते हैं कि एक बार सनत कुमार सत्संग की प्राप्ति के लिए, सत्संग की कामना के लिए बद्रिकाश्रम पधारे, और जैसे ही बद्रिकाश्रम पधारे क्या देखा, सामने से नारद जी अपनी वीणा बजाते बजाते भगवत नाम लेते लेते आ रहे हैं। लेकिन नारद जी जो सदा आनंद में हो, सदा उत्सव मनाने वाले हो, ऐसे नारद जी का मुख आज उदास लग रहा था। सत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुख कृत चिंता तुराकरम। हे ब्रह्मदेव, आप उदास क्यों हो? कृपा करके बताओ, आप कहां से आ रहे हो, कहां जाना चाहते हो, आपका मुख खिन्न क्यों है? क्योंकि आप तो वैष्णव हो, और वैष्णव किसे कहते हैं कि जिसके मुख में स्मित, जिसके हृदय में प्रीत और कंठ में गोविंद के गीत हो, वही तो वैष्णव है। और जब नारद जी आप आ रहे हो, हृदय में प्रीत है, कंठ में गोविंद के गीत हैं, लेकिन मुख में स्मित नहीं है, कृपा करके बताओ आप कहां से आ रहे हो। नारद जी ने कहा, अहम तुम पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करने गया था। अच्छा, पृथ्वी में कहां गए? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, अनेक तीर्थों में गया। और तब संत कुमारों ने कहा, जब व्यक्ति तीर्थ में जाके आता है तो मन शांत करके आता है, और आप तीर्थ में जाके ही मन खिन्न करके आ गए, ऐसा तीर्थ में आपने क्या देखा? तब नारद जी ने कहा कि तीर्थों में जो देखने गया वो तो नहीं दिखा, लेकिन जो देखने की कल्पना भी नहीं करी थी वो सब वस्तु सामने दिखी। बोले, क्या देखा आपने? तो नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपशोचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वरा काकूट भाषिण। नारद जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं तीर्थों में गया और पृथ्वी में जाके मैंने क्या देखा कि यहां कहीं भी सत्य नहीं रहा। क्या नहीं रहा? इंसान बोलता कुछ है और करता, इंसान की वाणी यानी कहनी और कथनी दोनों में कहीं ऐक्यता नहीं रहा। और जिस भूमि में भगवान बार बार सत्य का स्थापन करने के लिए अवतार लेते हैं, वहां आज सत्य का आचरण करने को कोई तैयार नहीं है। इंसान बोले कुछ और इंसान करे कुछ, इंसान दिखाता कुछ है और इंसान होता कुछ है। कहते ना, पहले के समय में एक फकीर हुए, और वो फकीर बाजार में आईना बेचने जाते। क्या बेचने जाते? दर्पण होता है ना, दर्पण बेचने जाते। और जो भी कहे, क्या बेचने आए हो? बोले, मेरे पास तीन प्रकार के दर्पण है। बोले, तीन प्रकार के दर्पण यानी कैसे? बोले, पहला प्रकार का दर्पण वो है जिसमें आप जैसे हो वैसे दिखोगे, दूसरा दर्पण वो है जिसमें लोग जैसे समझते हैं वैसे दिखोगे, और तीसरा प्रकार का दर्पण ये है जिसमें जैसे दिखना चाहते हो वैसे दिखोगे। ये तीन प्रकार के दर्पण मैं बेचता हूं। तो कहते हैं, पूरी जिंदगी दर्पण बेचते रहे, पर जैसा दिखना चाहते हैं वैसे दिखे, वैसा दर्पण लेने वाले लोग मिले, जैसा लोग समझते हैं वैसे दिखें, ऐसे दर्पण लेने वाले भी लोग मिले, पर जैसे हैं वैसे दिखें, ऐसा दर्पण लेने वाला कोई मिला? आज इंसान को जैसा है वैसा दिखने का कोई रस नहीं है।
जैसा लोग समझते हैं वैसा बनने का प्रयत्न करे, जैसे लोग देखना चाहते हैं वैसे दिखने का प्रयत्न करे, पर जैसा है वैसे रहने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए कहा कहीं सत्य नहीं रहा, सत्यम नास्ति। और कहते हैं ना इस कलिकाल के अंदर लोग सत्य का आचरण तो करते ही नहीं है, लेकिन सत्य की इंप्रेशन भी बड़ी बिगाड़ के रखी है। और सत्य की इंप्रेशन कैसे बिगाड़ के रखी है, खुद तो सत्य का पालन नहीं करते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि सत्य तो हमेशा कड़वा होता है। कैसा होता है, जरा भाव से बोलो तो सही, सत्य कैसा होता है? देखो सत्य कड़वा नहीं होता, ये बात और है कि जब भी कड़वी बात कहनी हो तब अपन सत्य का उपयोग करते हैं। किसी ने अच्छा किया बोल उसमें कहने की जरूरत कहां है, लेकिन जरा सी गलती करी टोकेंगे और कहेंगे मेरा तो स्वभाव है जो है वो सत्य सत्य कह देना। हा? जब भी कड़वी बात कहनी हो तब अपन सत्य का उपयोग करते हैं, तो खुद तो सत्य का आचरण नहीं करते लेकिन सत्य की इंप्रेशन भी बिगाड़ के रखी है। तो कहा कहीं सत्य का आचरण नहीं रहा। और सत्य किसको कहते हैं, जो भगवान ने किया वो सत्य, जो भगवान ने कहा वो सत्य, और उस सत्य में जब संशय अपन को हो जावे तो अपनी बात भी असत्य। कहते ना कि जब युधिष्ठिर का रथ उसकी सत्यवादिता के कारण जमीन से एक फुट ऊपर चलता था, लेकिन जब भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि जा बोल क्या अश्वत्थामा हत, झूठ बोलने को कहा कि बोल क्या कि अश्वत्थामा मर गया अश्वत्थामा हत, और जब युधिष्ठिर ये बोल के आए तब से उनका रथ जमीन को छू के चलने लगा। और युधिष्ठिर बार बार प्रभु से कहें देखो प्रभु सत्यवादिता के कारण मेरा रथ जमीन से ऊपर चलता था, लेकिन आपने मुझे झूठ बोलने को कहा कि बोल क्या अश्वत्थामा हत, और मैं गलत बोला कि अश्वत्थामा मर गया है और उसके कारण मेरा रथ जमीन को छू के चलने लगा। भगवान ने बार बार समझाना चाहा, समझ में बात नहीं आई, तब भगवान ने कहा ऐसे कर उद्धव जी के पास जाओ और पूछो। युधिष्ठिर गए उद्धव जी के पास और जाके पूछा कि देखो सत्यवादिता के कारण मेरा रथ जमीन से ऊपर चलता था, लेकिन भगवान ने मुझे झूठ बोलने को कहा कि जाओ बोल के आओ अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मर गया है, और मैं वो बोल के आया तब से मेरा रथ जमीन को छू के चलने लगा, भगवान ने मुझसे असत्य बुलवाया। और तब उद्धव जी ने कहा अरे तुझे क्या ये लगता है कि भगवान ने तुझे जो बोलने को कहा वो असत्य हो गया, अरे वो तो परम सत्य है, उसके मुख से तो जो निकले वो सत्य हो जावे, लेकिन भगवान ने तुझे बोलने को सिर्फ कहा था कि इतना बोल के आना अश्वत्थामा हत, लेकिन तुझे सत्य की बात में संशय हुआ और तूने अपनी बुद्धि से उसमें जोड़ दिया नरोवा कुंजनोवा, और वो बोल के तूने सत्य का खंडन किया और उसके कारण तेरा रथ जमीन को छू के चलने लगा। तो भगवान जो बोले वो सत्य, भगवान के वचन सत्य, और उसमें संशय हो तो वो भी असत्य हो जावे। और इसलिए कह दिया सत्यम नास्ति तपशोचम, कहीं तब भी नहीं रहा। और तप किसको कहते हैं, जंगल में जाके गुफाओं में बैठ के तप करना सिर्फ वही तप नहीं है, लेकिन भगवान ने जो साधन हमको दिए, जो लोगों का संग हमको दिया, जो व्यवस्था दी, उसमें अपन जीवन जी के दिखावे, वो भी अपना तप है। आज देखो मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, आज हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो एक है, बोले क्या, जो मिला उससे असंतोष और जो कभी मिल नहीं सकता उसकी कामना। आज हमारे दुख के कारण यही दो हैं, कौन कौन सी वस्तु कही, जो मिला उसे असंतोष और जो कभी मिल नहीं सकता उसकी कामना ही इंसान को जीवन भर रुलाती है। तो कहा ये तब भी कहीं नहीं है, सत्यम नास्ति तपशोचम, कहीं शौचारी पवित्रता भी नहीं है, दया दानम न विद्यते, कहीं दया भी नहीं रही। अब दया किसको, मैं जाए बैठ जाए नीचे बैठ जाए, दया किसको कहते हैं, अभी है, बाद में बैठ जाओ, दया किसको कहते हैं, किसी को देख के दया भाव मन में जागता है, किसी को देख के करुणा मन में जागती है। अब देखो कई लोग कहते हैं दया किसको कहते हैं, किसी दुखी को देख के आपके आंख में आंसू आ गए तो उसे दया कहेंगे या नहीं, हाँ हाँ के ना तो बोलो, किसी को देख के आपके आंखों में आंसू आ गए तो उसे दया कही जाएगी, हाँ
पर ऐसी दया दो कौड़ी की है। बोले क्यों, पहले 5 लोग दुखी थे, उनको देख के आप भी दुखी हुए, तो दुखियों की संख्या कितनी हुई? ये तो दुखियों के लिस्ट में आपने अपना नंबर जोड़ा। तो दुखियों की संख्या बढ़ाना वो दया नहीं है, दुखियों की संख्या को घटाना उसको कहते हैं दया। तो कहा दया दानम विद्यते, कहीं दान भी नहीं रहा। उदरम भरिणो जीवा, कहते हैं इस कलिकाल के अंदर सबसे चतुर व्यक्ति किसको कहा जाएगा, जो कैसे तैसे भी करके अपना पेट भर ले उसे बड़ा चतुर व्यक्ति समझा जाएगा। और जो सच्चाई को पकड़ के अपने सिद्धांतों को पकड़ के बैठा रहेगा उसे लोग टाइटल दे देंगे कि ये तो भगवान का आदमी है, यानी किसी के काम का। जो सच्चाई पकड़ के सिद्धांतों को पकड़ के बैठेगा लोग कह देंगे इसका इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। और जो यहां का वहां, वहां का यहां कहेगा उसे बड़ा चतुर समझा जाएगा। ये बात यहां पे कही। फिर क्या कहा, मंदा सुमंद मतयो हो मंद भाग्या द्रुपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। और कहते हैं कि कलिकाल में उनने क्या देखा, बोले कलिकाल के अंदर इंसान बड़ा आलसी होगा, उसके सपने बड़े बड़े होंगे लेकिन काम नहीं करेगा। और कहते हैं कार्य नहीं होगा तो भाग्य भी साथ कैसे देगा, कार्य करेगा तो भाग्य साथ में देगा। बोले कार्य करने के लिए मंदभागी भी होगा, मंद बुद्धि भी होगा। और कहते हैं बड़े बड़े संत हैं उसमें भी अपन को कहीं ना कहीं पाखंड दिखेगा, विरक्त हैं, परिग्रही हो जाएंगे। ये सारी वस्तु कही। और ऐसे विचरण करते करते जब यमुना जी के तट पे आया तो नारद जी कहते हैं मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा, बोले एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, उसके पास 2 वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं, बहुत सारी स्त्रियां उसको पंखा कर रही हैं। और जैसे मुझे देखा वो स्त्री हाथ ऊपर करके मुझे बुलाने लगी और कहने लगी भो भो साधु क्षण तिष्ठ भो भो साधु क्षण तिष्ठ चिंता पीनाशय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भो भो साधु क्षणं तिष्ठ नारद जी ने कहा मैं जैसे जा रहा था और मुझे देखते ही वो स्त्री हाथ ऊपर करके मुझे बुलाने लगी और कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ, आपका दर्शन मात्र मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, आपके दर्शन करके मेरी सारी शंकाओं का समाधान मिल रहा है, कृपा करके आप यहां ठहर जाओ। साधु कह के बुलाया, क्योंकि साधु कौन, जो औरों के कार्यों को साधे वही तो साधु है। और नारद जी को कहा एक क्षण के लिए ठहर जाओ, मेरे मन के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नारद जी ने उनसे कहा अरे देवी पहले आप ये बताओ आप कौन हो, यहां क्या कर रही हो, और जो ये 2 वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं ये कौन है, ये स्त्रियां आपको पंखा कर रही है ये कौन है। और अपना परिचय देते हुए वो स्त्री कहती है अहम भक्ति इति ख्याता ओम नमो भगवते वासुदेवाय इमो मे तन यौ मतौ स्त्री अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं स्वयं भक्ति महारानी हूं, ये 2 वृद्ध व्यक्ति मेरे पास लेटे हुए हैं ये और कोई नहीं मेरे माने हुए पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये जो स्त्रियां मुझे पंखा कर रही हैं ये और कोई नहीं गंगा आदि नदियां हैं। नारद जी चौंक गए, जब आप स्वयं भक्ति महारानी हो, ज्ञान और वैराग्य आपके पुत्र हो,
गंगादि नदियां आपकी सेवा कर रही हो, फिर आपको क्या दुख हो सकता है। कृपा करके मुझे बताओ आप कहां से आ रहे हो, आपका इतिहास क्या है। और भक्ति महारानी कहते हैं कि दक्षिण भारत में मेरा प्रागट्य हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही हम गुजरात में आए वहां आके मैं वृद्ध हो गई। और जब गुजरात में आके मैं वृद्ध हो गई और जब हम वृंदावन गए तो वृंदावन जाके मैं मां तो युवा हो गई पर मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। अब देखो मां प्रसन्न कब हो, जब उसके बेटे सुखी हो। और दोनों बेटे ऐसे वृद्ध हो गए कि उठ नहीं पा रहे, ऐसी प्रगाढ़ निंद्रा के अंदर हैं कि जग नहीं पा रहे। अब कौन मां संतुष्ट हो गई जिसके बेटे दुखी हो। कृपा करके बताओ हम तीनों के दुख का कारण क्या है। अपने बेटों के कारण मैं भी दुखी हूं क्योंकि मां मैं 16 वर्ष की युवा हो गई वृंदावन में आके और दोनों बेटे वृद्ध हो गए। कृपा करके बताओ हमारे दुख का कारण क्या है। और तब नारद जी ने अंतः दृष्टि करके दुख का कारण देखा और कहा, सुनो श्ववहिता वाले युगोयम दारुण कली, सुनुष्वहिता बाले युगोयम दारुण कली। देखो भक्ति महारानी, तुम्हारे दुख का कारण और कोई नहीं पर तुम्हारे दुख का कारण ये कलयुग है। और जब से कलयुग आया है हर एक वस्तु का सार चला गया है और इंसान मानो अघासुर बन के औरों की वस्तुओं को छीन लेना इसी के अंदर लगा हुआ है और उसी के कारण आप तीनों दुखी हुए। लेकिन हे भक्ति महारानी, जब आप वृंदावन के अंदर आए तो वृंदावन तो वो प्रभु की प्रेम भूमि है जहां आज भी प्रभु की बांसुरी बाजती है। ये वृंदावन तो वो भूमि है जहां आज भी प्रभु की बांसुरी को सुन के गोपियां भागती हुई रास के लिए आती हैं। इसलिए वहां भक्ति नित्य युवा है। इसलिए भक्ति महारानी आप वृंदावन में आके युवा हो गए। बोले क्यों? जब एक बार प्रभु के सखाओं ने भी प्रभु से कहा, प्रभु आप तो वैकुंठ में रहने वाले हो तो हम भी देखना चाहते हैं प्रभु आपका वैकुंठ कैसा है, कृपा करके हमको दिखाओ। प्रभु ने सभी से कहा आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सभी सखाओं ने आंखें बंद कर ली और क्या देखा, भगवान वैकुंठ के अंदर बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं, बड़े बड़े देवता हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ये जब देखा सखाएं थर थर कांपने लगे और आंखें खोल के कहे, अरे हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो ये ब्रज का कन्हैया अच्छा, जब चाहे मिल लें, जब चाहे उसके संग खेल लें। तब कहा, प्रभु जो सुख आपके वृंदावन में है वो तो वैकुंठ में भी नहीं है। और इसलिए हमारे गुजरात के भी भक्तों ने गाया है कि जो आनंद वृंदावन में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए वर्णन करते हुए कहते हैं, वन रावण छेरुडु कोई कुंठ नहीं रे आऊ, हो किसी को गुना कर सकते हो, वन रावण छेरुडु वही कुंठ नहीं रे आऊ, हे मारू हो, झूमते हुए सभी की तालियां भाव से। मैं नहीं अब हो नंद जी नालाल रे वैकुंठ नहीं रे अब, हे मारू जय हो। सभी की तालियां भाव से झूमते हुए। टग टग जो
जाऊ हे मारू जय हो सभी की तालियां भाव से झूमते हुए जहां वृंदावन का नाम आवे वृंदावन की भूमि हो जाए चाहिए एक संग जन्मा जाऊं प्यारे सभी की तालियां भाव से श्री राधे मेहता नरसिंह सीने रे वो मारे
हार टग टग जो नंद जी ना लाल रे कुछ नहीं रे वैकुंठ नहीं रे। और वृंदावन वो भूमि है जहां भक्ति महारानी सदा प्रसन्नता में रहें, और इसलिए वृंदावन की भूमि के प्रभाव से हे भक्ति महारानी आप तो युवा हो गए लेकिन आपके दोनों बेटों की उपेक्षा वहां पे हुई, इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। अब देखो ज्ञान वृद्ध हुआ कब कहा जाए और वैराग्य वृद्ध हुआ कब कहा जाए। जो वस्तु हम सब जानते हैं लेकिन जब समय आवे अपने जीवन में उसका इस्तेमाल न कर सकें तो मानो वो ज्ञान अब वृद्ध हो गया है। और ज्ञान वृद्ध किसको कहते हैं? ज्ञान वृद्ध हो गया है कि युवा है पता कैसे चले। देखो हरेक समस्या आवे ना उस हरेक समस्या का उपाय यहां बैठे हुए हरेक के पास है। हरेक लोग सभी एक्सपर्ट हैं सभी समस्या सॉल्व करने के लिए, लेकिन शर्त ये वो समस्या सामने वाले के पास होनी चाहिए। जब वही समस्या अपने पास हो तो कोई भी उपाय काम आवे बहुत बढ़िया। देखो यदि मैं पूछूं यहां आपसे कि जब बहुत क्रोध आवे तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना चाहिए? हरे के पास उपाय होंगे। क्या करना चाहिए जब बहुत क्रोध आवे तब क्या करना चाहिए? हाँ क्या? पानी पी लेना चाहिए। कैसा? ठंडा गरम? हाँ ठंडा पानी पीना चाहिए। दूसरा भगवत नाम लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? शांति से बैठ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। फिर राम राम बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर क्या? यहां भी तो उपाय होंगे थोड़े बहुत। सारी जवाबदारी वहीं सौंपी है। मौन रहना चाहिए। बहुत बढ़िया है। सभी बातों की सार कह दिया। फिर कितने कितने उपाय अपने पास आए? देखो क्रोध आवे तब ठंडा पानी पीना चाहिए, फिर प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, मौन रहना चाहिए। फिर अभी भी मन में आ रहा है बोल दो, रात को नींद नहीं आएगी। फिर इतना बोलना था बोल नहीं पाए तो बहुत क्रोध आवे तब क्या करना चाहिए? क्या क्रोध आए वहां से चला जाना चाहिए? और वहां भी गुस्सा आ गया तो भाग भाग के कहां जाओगे? हाँ देखो अब क्रोध आवे तो क्या करना चाहिए, सभी के पास उसके उपाय। ये भी कुछ उपाय दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अपने पर दे तो रहा है। बोल दो, बोलिए, बोल दो। सभी के पास उपाय है, सभी के पास उपाय हैं, कोई ना कोई उपाय जानते हैं, पर सही सही बताना जब क्रोध आता है तब कुछ याद आता है? हाँ जब औरों को सलाह देनी हो तो हरेक समस्या का हल अपने पास है, लेकिन वही समस्या जब अपने जीवन में होती है तब कोई हल रहता नहीं। बोले कोई हल रहता नहीं। बोले क्यों? बोले कहते हैं समस्या पहले औरों के पास थी तो सलाह देते थे, लेकिन अब समस्या
तो कहते हैं कि जब अपनी समस्या के सारे समाधान को अपन जानते हैं लेकिन उसे आचरण में नहीं ला पावे, तो मानना कि वो ज्ञान अभी वृद्ध हो गया है। और वैराग्य वृद्ध हुआ कब कहा जाए, कहते हैं ना वैराग्य क्या होता है, वैराग्य की भावना क्या होती है, जब आप यहां बैठे हो ना तो यहां बैठ के बड़े अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आएंगे कि अब हमको भी सेवा करनी चाहिए, हमें भी सत्संग करना चाहिए, ये सारे बढ़िया बढ़िया विचार मन में आएंगे। लेकिन जैसे ही यहां से घर गए, टीवी ऑन किया, फिर क्या होता है, कुछ कहने की आवश्यकता है? यहां बैठ के जो विचार आते हैं ये अभी आपका स्वभाव नहीं, ये स्थान का प्रभाव है। और स्थान के प्रभाव को यदि आप अपना स्वभाव मान लोगे तो वो स्वभाव आपको कभी भी छल देगा। आज अपना वैराग्य कब तक रहता है कि जब तक सामने कोई विषय ना आया हो तब तक। कहते हैं स्वामी विवेकानंद दृष्टांत देते थे कि एक गांव के अंदर किसी ने एक बिल्ली पाली हुई थी और वो बिल्ली ऐसी भगवदी थी कि रोज शाम को 6 बजे उसका मालिक बिल्ली के ऊपर 2 मोमबत्ती रखे, बिल्ली चुपचाप बैठ जावे और उस मोमबत्ती के प्रकाश में वो गीता का पाठ करता। और ये खबर जब आसपास फैल गई सब लोग कहें देखो तो सही कैसी भगवत भक्ता बिल्ली है, जरूर कोई गए जन्म में कोई संत होंगे कोई भक्त होंगे ताकि गीता का पाठ चुपचाप बैठ के सुनती है। और लोग सभी 6 बजते और दर्शन करने आते और 6 बजे शो चालू करते, वो बिल्ली को बुलाते, उसके दो माथे पे दो मोमबत्ती रख देते, बिल्ली चुपचाप बैठ जाती और उस मोमबत्ती के प्रकाश में उसका मालिक गीता का पाठ करता। सभी लोग दर्शन करने आते, कितने लोग तो भाव विभोर हो जाते, कंकु डालते, अक्षत डालते, दंडवत भी कर लेते, कई लोग मन्नतें भी मांग लेते। लेकिन उस गांव के अंदर एक चतुर इंसान आया, अब वो भी सोचे कि मैं भी जरा बिल्ली को देख के तो आऊं, लेकिन चतुर इंसान था, बिल्ली के दर्शन करने गया लेकिन जेब में एक चूहा लेके गया। और जब शाम को 6 बजे वो सब शुरू हुआ और जैसे ही वो आदमी ने बिल्ली के माथे पे मोमबत्ती लगाई, उसके प्रकाश में बैठ के गीता का पाठ करने लगा और सब लोग जय जयकार करने लगे, और तभी उस मुसाफिर ने अपने जेब में से चूहा निकाला और बिल्ली की तरफ फेंका, और जैसे ही बिल्ली की तरफ फेंका तो बिल्ली अपने मालिक के माथे पे पैर रख के चूहे के पीछे दौड़ी। और तब पता चला कि बिल्ली का वैराग्य कब तक था, जब तक सामने चूहा नहीं आया तब तक। तो वैसे ही अपना वैराग्य भी कब तक होता है, जब तक सामने कोई विषय नहीं आता। और तब मानो विषय के आधार पे अपना वैराग्य भी चला जाए तो मानो ये वैराग्य भी अभी सो रहा है। और जब नारद जी से भक्ति महारानी ने पूछा कि यदि कलिकाल के आने के कारण सभी का सार चला गया है, तो जब दिग्विजय के समय परीक्षित का संवाद कलयुग के संग हुआ था तो उस समय परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, क्यों कलयुग को रहने दिया कि जिस कलिकाल के आते ही सभी वस्तुओं का सत्व चला गया। और तब नारद जी ने कहा देखो परीक्षित भी वैष्णव है, और उसने क्या देखा, वैष्णव कौन है कि बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी कोई गुण ढूंढ लेवे ना वो वैष्णव, जिसकी दृष्टि गुण देखती है, गुण ढूंढती है, उसे कहते हैं वैष्णव। और परीक्षित ने क्या देखा कि कलिकाल के अंदर जहां अनेक दोष हैं, कलिकाल के अंदर जहां अनेक बुराइयां हैं, वो वहां कलिकाल के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। बोले क्या, कि जिस फल की प्राप्ति और युगों में जब तप व्रत करके होती, उसी फल की प्राप्ति कलिकाल में प्रभु का नाम लेने मात्र से हो जाती है। और इतने बड़े गुण को देखने के कारण परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। देखो इस जीवन में 100% बुरा व्यक्ति कोई नहीं होता, हाँ प्रतिशत हो सकते हैं, 10% बुरा है, 50% बुरा है, 60% बुरा है, लेकिन 100% बुरा व्यक्ति कोई नहीं होता कि जिसमें कोई गुण न हो। मैं कई बार विनोद में कहता हूं कि बंद पड़ी हुई घड़ी होती है ना, वो भी कम से कम दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, घर जाके समझ में आएगा। बंद पड़ी हुई घड़ी होती है वो भी दिन में कम से कम 2 बार सही समय बताती है, यानी बिल्कुल बुरा व्यक्ति कोई नहीं होता, हाँ प्रतिशत हो सकते हैं। और जहां कलिकाल ने, जहां परीक्षित ने देखा, जहां कलिकाल के अंदर अनेक दोष हैं, वहां सबसे बड़ा गुण यह है
कि कलिकाल में प्रभु का नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। और जब ये बात अपन सुनते हैं, अपन कितने निश्चिंत हो जाते हैं कि कलिकाल के जीवों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लो और बेड़ा पार हो जावे, प्रभु का नाम लो और उद्धार हो जावे। पर ये बात कहते हैं ना, लोरी की तरह नहीं कही गई है, ये बात अलार्म बेल की तरह कही गई है। लोरी किस लिए गाई जाती है? सुलाने वाले, सुलाने के लिए। और अलार्म किस लिए लगाई जाती है? सोते को जगाने के लिए। तो कलिकाल में प्रभु का नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है, ये बात अलार्म की तरह है। और अलार्म यानी जब कलिकाल आएगा तो इतना कराल कलिकाल होगा, इतना कराल कलिकाल होगा कि उसमें प्रभु का गुणगान तो दूर, जब तप तो दूर, प्रभु का नाम मुख में लाके देखना, ये जगत के लोग मुख में नाम लेने नहीं देंगे और आएगा तो रहने नहीं देंगे। जरा सा प्रभु का नाम आप मुख में ले रहे हो और जरा सी विपत्ति आएगी तो लोग आके सुनाएंगे, अरे तू इतना इतना प्रभु का नाम ले रहा है और तेरे संग भगवान ने ऐसा क्यों किया, तू इतना इतना प्रभु की सेवा करता है तो तेरे संग ऐसा क्यों, वो कह के तो छूट जाएगा, लेकिन आप बंद होगे कि भैया बात तो ठीक है, इतना इतना वो सब कुछ गलत कर रहा है और बड़ा सुखी है, और हम इतना इतना कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में ये समस्या क्यों, हमारे जीवन में ये दुख क्यों, बात आती तो है नहीं सामने। और देखो ये कलिकाल ऐसा है कि आप प्रयत्न करोगे फिर भी प्रभु का नाम जल्दी मुख में आएगा नहीं, आप चाहते हो नाम लो फिर भी नाम लेने नहीं पाओगे। बोले क्यों? आप बैठे बैठे टीवी में मैच देख रहे हो, 3 घंटा देखा, 4 घंटा देखा, 5 घंटा देखा, कोई परेशान करने वाला नहीं, वहीं आपने सोचा कि इतने घंटे टीवी देखा अब एक प्रभु की माला फेर लो, ये विचार करके जैसे ही माला हाथ में ली उसी समय सोते हुए बच्चे जागे, उसी समय डोरबेल बजी, उसी समय कोई मिलने आया, उसी समय कोई जरूरी काम लेके आया। आप चाहते हो प्रभु का नाम लो, आप चाह रहे हो कि प्रभु की माला फेरूं, पर कलिकाल में ऐसा माहौल आसपास बन जाएगा कि आप चाह के भी प्रभु का नाम ले नहीं पाओगे। देखो जीवन में कई बार कष्ट आता है, जीवन में दुख आते हैं, लेकिन प्रभु हमें किससे बचा रहे हैं ये हमें पता भी नहीं होता। लेकिन सारी वस्तुएं जब कही और कहा, जब से कलिकाल आया हर एक वस्तु का सार चला गया, सभी में से तत्व चला गया, ये बात जब कही और तब भक्ति महारानी ने कहा, देखो देवर्षि आप तो संत हो और संत तो वैद्य की तरह होते हैं, पहले रोग बताते हैं और फिर रोग की दवा भी तो देते हैं। आपने बताया कि मुझे जो पीड़ा हो रही है, मुझे जो रोग हुआ है वो रोग और कुछ नहीं पर कली रोग है, कलिकाल है, कि जो रोग मुझे पीड़ा दे रहा है वो एक कली रूपी रोग है, पर उससे बचने का उपाय भी तो आप बताओ, आप तो संत हो, यदि आप वैद्य बन के उपाय नहीं बताओगे तो उसकी दवा कौन देगा। और तब नारद जी कहते हैं, वृथा खेदाय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमीष्यति। नारद जी कह रहे हैं कि देखो भक्ति महारानी, जीवन में जब जब भी दुख आवे तब दुखों का नहीं प्रभु के चरणारविंद का स्मरण करो, यदि दुखों का चिंतन करोगे तो दुख बढ़ते रहेंगे और प्रभु के चरणों का चिंतन करोगे तो कभी भी दुख स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मुझे सही सही कहना, जीवन में जब समस्याएं आती हैं और चिंताएं आती हैं तो चिंताओं का चिंतन अधिक होता है कि प्रभु का चिंतन? सही सही बोलना। हाँ, जब जब भी जीवन में चिंताएं आती हैं तो चिंताओं का चिंतन अधिक होता है कि प्रभु का चिंतन? चलो चिंताओं का चिंतन अधिक करते हो, पर चिंताओं का चिंतन करने से चिंताएं घटती हैं या बढ़ती हैं?
हम सब जानते हैं यदि चिंताओं का चिंतन करके चिंताएं घट जाने वाली हो तो चिंताएं करने की आप सभी को छूट है। लेकिन आप स्वयं जानते हो कि चिंताओं का चिंतन जब जब भी करते हैं तब तब भी चिंताएं घटती नहीं, चिंताएं बढ़ती हैं, फिर भाई चिंताएं करना छोड़ते। तो यहां कहते हैं कि जब जब भी जीवन में चिंताएं आवे तो चिंताओं का चिंतन छोड़ के प्रभु के चरणों का चिंतन करो। बोले क्यों? जैसे आप गर्मी के अंदर कहीं जा रहे हो और बहुत धूप लग रही है तो धूप से बचने के लिए आप कहीं शेड ढूंढ लेते हो कि नहीं? हाँ के ना तो बोलो। आप कहीं जा रहे हो और बहुत तेज बारिश आ रही है और बारिश से भीगना है तो भीग से बचने के लिए आप शेड ढूंढते हो कि नहीं? वैसे कहते हैं कि जब जीवन में समस्याएं आवे, जब जीवन में तकलीफें आवे तो प्रभु के चरणों का शेड ढूंढ लेना चाहिए। और प्रभु के चरणों का शेड कैसे मिले? कि जब भी जीवन में समस्या आवे तो समस्या में से ध्यान हटाओ और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ। हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है? थोड़ी समस्या देके भी हमें बहुत बड़ी समस्या से बचा लेते हैं। मैंने कहीं सुना था कि दो मित्र, एक प्रभु का परम भक्त और दूसरा बिल्कुल नास्तिक, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों को किसी कारणवश एक संग एक तीर्थ में जाना हुआ अपने व्यापार के काम से। तो जो आस्तिक था, प्रभु का भक्त, बड़ा प्रसन्न था, देखो युगान युग अपन इस तीर्थ में पहुंच गए जहां लोग दूर दूर से पैदल चल के आते हैं, वहां अनायास अपना आना हो गया है, प्रभु के दर्शन करके कैसा आनंद आएगा। और वो जो नास्तिक था उसको तो फर्क नहीं पड़ता, जाऊं कि नहीं जाऊं क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा उस तीर्थ में आऊंगा जरूर, लेकिन मुझे संग में आने का बोलना मत, मैं सब चीजें मैं मानता नहीं हूं। बोले ठीक है। मित्र ने कहा देख भाई, लोग दूर दूर से यहां पैदल चल के आते हैं, अपन अनायास हो गए हैं, तू मेरे संग तो चल, भले मस्तक मत झुकाना। बोले संग आऊंगा पर ऊपर आने का मत कहना। बोले ठीक है। अब वो दोनों संग गए, जहां मंदिर की सीढ़ियों के बाहर खड़े थे, उसने कहा यहां तक आ गया है तो भैया ऊपर भी तो चल। वो कह मैं सब वस्तु में मानता नहीं, मैंने पहले कह दिया था मुझे आने का आग्रह मत करना, मैं यहां खड़ा रहूंगा, तू जा ऊपर। वो नास्तिक वहां तक पहुंच के प्रभु के दर्शन करने नहीं गया, नीचे खड़ा रहा, और वो भक्त ऊपर दर्शन करने गया। पर इस बीच घटना ये घटी, जो ऊपर गया उसको एक मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया और ऐसी पीड़ा होने लगी कि वो रोता हुआ नीचे आया। और जो मित्र दर्शन करने नहीं गया था, नीचे खड़ा था, उसे नीचे सोने की चैन पड़ी हुई मिली। अब वो भक्त नीचे आया रोते रोते और वो नास्तिक हंस रहा था, देख तू बड़ा भाविक बन रहा था, बड़ा भक्त बन रहा था, प्रभु के पास गया तुझे क्या मिला, ये मधुमक्खी ने काट लिया, देख कैसा फूल गया है, कैसी पीड़ा हो रही है, कैसा दर्द हो रहा है, और देख मैं दर्शन करने नहीं गया, मुझे देख सोने की चैन मिली, देख फायदे में कौन रहा, तू के मैं, तू बड़ा दर्शन करने जा रहा था, बड़ा भक्त बन रहा था, नुकसान तेरा हुआ, मुझे तो लाभ मिला। अब दोनों चलते चलते जा रहे थे और वो भक्त का मन भी सोच तो रहा था बात ठीक है, मैं दर्शन करने प्रभु के सन्मुख गया, मुझे उस मधुमक्खी ने काट लिया, ये दर्शन करने नहीं आया, नीचे खड़ा था और उसे सोने की चेन पड़ी हुई मिली, ये घटना क्या हुई समझ में नहीं आया। चलते चलते दोनों जा रहे थे, देखा सामने कोई सिद्ध संत बैठे हुए हैं। उसके मन में बड़ा आया कि जरा पूछ के देखूं ये घटना क्या है, वरना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। दोनों वहां गए पूछने के लिए कि बाबा समझ में नहीं आया, ऐसी घटना घटी, हम दोनों दर्शन के लिए आए, ये दर्शन करने नहीं आया, मैं दर्शन करने प्रभु के पास गया, मुझे मधुमक्खी ने डंक दिया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, और ये दर्शन करने नहीं आया, उसे सोने की चेन मिली, देखो कैसा हंस रहा है, कैसा प्रसन्न हो रहा है, ये क्या है। तब उस संत ने उस नास्तिक का भी मस्तक देखा और आस्तिक का भी मस्तक देखा और कहने लगे ए नास्तिक, तू प्रभु के दर्शन करने नहीं गया, तुझे सोने की चैन पड़ी हुई मिली और तू बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा आनंद मना रहा है, पर तुझे पता नहीं है यदि उस समय तू प्रभु के दर्शन करने जाता तो तेरे भाग्य में कुबेर की संपत्ति का योग था, पर तू दर्शन करने नहीं गया तो वो कुबेर की संपत्ति का योग एक सोने की चैन में टल गया। और हे आस्तिक, तू प्रभु के दर्शन करने गया और तुझे मधुमक्खी ने काट लिया, तू रो रहा है लेकिन तुझे पता नहीं यदि उस समय तू प्रभु के दर्शन करने नहीं जाता तो तेरे भाग्य में मृत्यु योग था,
पर प्रभु के सन्मुख गया तो तेरे भाग्य का मृत्यु योग उस मधुमक्खी के डंक में चल टल गया। प्रभु की शरण में जाते हैं, प्रभु के नजदीक जाते हैं तो प्रभु हमें कहां से बचा लेते हैं, प्रभु कहां से हमें तार देते हैं ये पता भी हमें नहीं चलता। इसलिए कह दिया वृथा खेदाय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तू प्रभु के चरणों का चिंतन कर, और प्रभु के चरणों का चिंतन करोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और देखो तुम तो भक्ति महारानी हो, तुम क्यों उदास हो रही हो? अरे हे भक्ति महारानी, तुम तो वो हो कि जिसके घर में न कोई, जिसके पास न कोई ज्ञान हो कोई कला हो, पर भक्ति महारानी आप जिसके घर में हो तो भगवान तो ढूंढते ढूंढते उस घर के अंदर आ जाते हैं। हमारे भक्तों ने गाया है प्रीत हीते पहिए प्रीतम, चाहे 365 दिन की रीत कंठस्थ कर ली है लेकिन प्रीत हृदय में नहीं है तो हमारे प्रभु कभी पधारते नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में प्रीत है तो भगवान तो ढूंढते हुए उसके, वो वार्ता जी में कितने प्रसंग आते हैं, वो प्रसंग आता है ना वो सासू बहू वाला, कि वो सास रोज प्रभु की सेवा करती और बहू को भी बहुत इच्छा होती कि कभी मुझे भी प्रभु की सेवा करने को मिले, लेकिन सास कह देती तेरे में अक्ल नहीं है, तुझे कुछ नहीं आएगा, तू रहने दे। रोज बहू के मन में इच्छा हो कि मुझे भी प्रभु की सेवा मिले लेकिन सास करने ना दे। अब किसी कारणवश उसके सास को 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर गांव जाने का अवसर आया। अब ठाकुर जी संग पधरा के ले जाए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसे लगा बहू के माथे ही सौंप के जाना पड़ेगा और इसमें तो अक्कल है ही नहीं, इसे समझाना पड़ेगा। बहू को बुलाया और कहा देख कल से तुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन एक एक वस्तु ध्यान से रखना और देखना कहीं भी गड़बड़ी ना हो। ऐसे ठाकुर जी को रोज जगाना, ऐसे मंगल भोग धरना, ऐसे झारी जी भरना, ऐसे स्नान करना, ऐसे सुंदर वस्त्र धराना, श्रृंगार धराना, फिर दर्पण में प्रभु का हंसता हुआ मुख देखना, फिर राजभोग धराना, पूरा क्रम सास ने समझा दिया और बहू ने कंठस्थ कर लिया, जो जरा सी भी गलती हुई तो मैं गई, पूरा कंठस्थ करके बैठ गई। और कल सुबह जल्दी सास चले जाने वाले थे और कल से सारी सेवा उसे सौंप संभालनी थी। रात को चिंता के मारे बिचारी बहू को नींद ही नहीं आई और जहां सबेरे उठी जैसे सास ने कहा था बराबर वैसे अपरस करके आई, जैसे सास ने कहा था वैसे ठाकुर जी को जगाए, मंगल भोग धरा, जैसे सास ने कहा था वैसे ही ठाकुर जी को स्नान कराया, जैसे सास ने कहा था वैसे ठाकुर जी को वस्त्र धराए, श्रृंगार धरे, माला जी धरे, और जैसे सास ने कहा था वैसे दर्पण भी दिखाया, लेकिन सास ने कहा था दर्पण में प्रभु का हंसता हुआ मुख देखना, लेकिन आज मुख तो दिखा पर हंसता हुआ नहीं दिखा। बहू को लगा कि जब सास ने कहा था कि हंसता हुआ मुख देखना, यानी वो रोज देखते होंगे तब तो किया होगा, तो आज प्रभु हंसे क्यों नहीं, जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है। लगा ठाकुर जी को स्नान कराने को कहा था लेकिन ठंडे जल से कहा था कि गर्म जल से, शायद ठंडे जल से कहा होगा। फिर ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बड़े करे, फिर से ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान कराया, प्रभु भी कांप गए, फिर नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नए माला जी, और फिर दर्पण दिखाया, लेकिन मुख तो दिखा पर हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब उसे लगा जरूर गरम गरम जल से स्नान कराने को कहा होगा। फिर ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बड़े करे, गरम गरम जल से स्नान करवाया, फिर अंग वस्त्र, नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नए माला जी धरे, और फिर दर्पण दिखाया, लेकिन फिर भी मुख तो दिखा पर हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब उसे लगा जरूर मेरी सेवा में कोई क्षति हो गई है, जरूर मुझसे कुछ गलती हो गई है, फूट फूट के रोने लगी। 8-10 बार प्रभु को स्नान करा दिए, 8-10 बार नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नए माला जी, लेकिन मुख दिखा और हंसता हुआ नहीं दिखा। और जहां 11 बार फिर से स्नान करवाए, फिर से नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नए माला जी, और जहां दर्पण दिखाने बहू गई, प्रभु ने सोचा कि अब इसे यदि हंसता हुआ मुख नहीं दिखाया तो पूरा दिन निलाती रहेगी। और जैसे ही दर्पण दिखाया और प्रभु खिलखिलाट हंस पड़े, और जैसे प्रभु हंसे और बहू कहने लगी अरे मेरे प्रभु हंस दिए, मेरे प्रभु हंस दिए, और उस दिन से तो फिर ऐसा हो गया कि बहू जैसे ही सेवा के कमरे में आवे और उसे देखते ही प्रभु को हंसी आ जावे। और जब बहुत दिन के बाद जब सासू जी आए
उनने प्रभु से कहा, प्रभु पता नहीं ये आपकी सेवा कैसे करती होगी, लेकिन कल से मैं आपकी सेवा फिर से बड़ी सुंदर रूप से करूंगी। तब प्रभु ने कहा, मेरी सेवा तुम ही करना, बड़े सुंदर रूप से करना, और बड़े सुंदर रूप से करते भी हो, लेकिन एक विनती मुझे आपसे करनी है। बोले क्या? क्या आप मुझे भले जगाना, मुझे अरोगाना, मेरे श्रृंगार करना, मुझे माला जी धराना, पर मुझे दर्पण दिखाने की सेवा तो अपनी बहू से ही करवाना। दुनिया भर के लोग मेरे पास आते हैं और अपने दुख सुना सुना के मुझे रुला जाते हैं, पर ऐसे तो कोई की भक्त मुझे मिलते हैं जो मेरे पास आके मुझे भी हंसा जाते हैं। और मैं भी ऐसे भक्तों के लिए तरसता हूं, मैं भी ऐसे भक्तों के लिए व्याकुल होता हूं कि जो मेरे पास आके मुझे भी हंसा जावे। तो जिसके पास चाहे कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, पर जिसके हृदय में भक्ति है, तो भगवान उसके वश हो जाते हैं। और इसलिए हे भक्ति महारानी, आप तो प्रभु के सबसे प्रिय हो। जब आपने हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करी कि प्रभु मैं क्या करूं, तब भगवान ने कहा, आप पृथ्वी पे जाके मेरे भक्तों का पोषण करो और मुक्ति को स्वयं आपकी दासी बना के आपकी सेवा के लिए भेजा। तो भक्ति महारानी, आप जिसके पास हो, जैसे भगवान राम ढूंढते ढूंढते शबरी के घर में आए, जिसके पास भक्ति हो उसे भगवान को ढूंढना ना पड़े, स्वयं भगवान ढूंढते उसके घर पे आ जावे, तो आप चिंता ना करो, क्योंकि आप तो स्वयं भक्ति हो। और नारद जी ने जब भक्ति महारानी को उनके स्वरूप का ज्ञान करवाया, और भक्ति महारानी के अंग भी पुष्ट होने लगे, और जहां भक्ति महारानी के अंग पुष्ट होने लगे, और भक्ति महारानी ने कहा, कृपानाथ आपने तो मेरे अंगों को पुष्ट किया, पर कृपा करके मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य सो रहे हैं, ये जग नहीं पा रहे हैं, कृपा करके इनको जगाइए। नारद जी कहते हैं, चिंता ना करो, अभी मैं आपके दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य को जगाता हूं। ये विचार करके आगे आए, दोनों को जगाने लगे, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, पर इतनी प्रगाढ़ निंद्रा के अंदर हैं, जगाने का प्रयत्न करें फिर भी जाग नहीं रहे। नारद जी ने कान में गीता के श्लोक बोले, वेद का मंत्र बोला कि शायद गीता के श्लोक से जाग जाएं, वेद के मंत्र से जाग जाएं, लेकिन जम्हाई लेके वापस सो जा रहे हैं। और नारद जी ने कहा, गीता के श्लोक से नहीं जागे, वेद के मंत्र से नहीं जागे, अब इनको जगाने का उपाय क्या? वहीं आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप धन्य हो कि ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों की चिंता दूर करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन इन तीनों की चिंता दूर करने के लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा, और सत्कर्म कौन सा, ये आपको एक संत शिरोमणि बताएंगे। अब देखो, आकाशवाणी हुई तो लगा चिंता दूर कर देगी, लेकिन चिंता तो दूर ना हुई, चिंता बढ़ा गई। कहा एक सत्कर्म करो, पर सत्कर्म वास्तव में बोलते किसको हैं? अनेक अच्छे अच्छे कर्म इंसान करता है, लेकिन ये हमारे द्वारा सत्कर्म हुआ है इसका पता कैसे चले? और वो संत शिरोमणि कौन? अनेक अनेक तीर्थों का परिभ्रमण किया, नारद जी सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा। विचार किया, बद्रिकाश्रम जाके मैं तप करके इसका पता प्रभु से लगाऊंगा। और जैसे बद्रिकाश्रम गए, कोटि सूर्य समान जिसका तेज है, ऐसे सनत कुमार मार्ग में मिले। नारद जी ने पूछा, कृपा करके बताओ कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य की चिंता दूर करने का कोई सरल उपाय है? तीनों ने कहा, हाँ सरल उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म कौन सा? तो कहा, शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और इन सभी यज्ञों में स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, उसी को सत्कर्म माना जाता है। आपके हाथ से कितना भी दान पुण्य हुआ हो, कितनी भी यात्राएं करी हो, कितने भी तीर्थ करे हो, लेकिन अपने द्वारा जब भागवत का आयोजन हो, तब मानो जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म अपने द्वारा हो रहा है। स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही अपने वहां सत्कर्म माना गया है। तो आप श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करो, और भागवत जी के आयोजन करने से ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों की चिंताएं दूर हो जाएंगी। और तब नारद जी के मन में प्रश्न आया कि जहां तक मैं जानता हूं, भागवत और कुछ नहीं, वेद और गीता का ही तो सार है, और यदि भागवत वेद और गीता का ही सार है, तो जो ज्ञान और वैराग्य की निंद्रा गीता के मंत्रों से दूर नहीं हुई, वेद के मंत्र से दूर नहीं हुई, तो उसी के सार
ऐसे भागवत जी से उनकी चिंता दूर कैसे हो जाएगी। तब सुमत कुमारों ने कहा बात तो ठीक है लेकिन मुझे बताओ कि सामने क्या है। बोले पेड़ है। किसका पेड़ है? बोले आम का। तो बताओ आम के फल कैसे लगते हैं? बोले बड़े मीठे लगते हैं। तो बताओ आम के फल के अंदर जो मधुरता आती है वो मधुरता आती कहां से है? पूरे वृक्ष में से आती है कि नहीं? हां के ना तो बोलो। हां मधुरता फल में कहां से आती है? हां पूरे वृक्ष से। और यदि पूरे वृक्ष से मधुरता फल को मिलती है तो फल खा के जो आनंद आवे वही आनंद आम के पत्ते खाओ तो आएगा, उसका थड़ खाओ तो मिलेगा, मूल खाओ तो मिलेगा। तो कहते हैं फल के अंदर जो मधुरता है वो मधुरता आती तो पूरे वृक्ष में से है लेकिन फल खा के जो आनंद आवे वो आनंद और शाखाओं के द्वारा क्यों नहीं आता? तब कहा कि पूरे वृक्ष के अंदर बिखरा हुआ रस जब फल के रूप से एक जगह इकट्ठा होता है तो वो आनंद जो मिले वो आनंद पूरे वृक्ष में नहीं मिलता। वैसे ही ये वेद वृक्ष रूप हैं और उसपे लगा हुआ पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत से जो सुख मिले वो अन्यत्र न मिले। दूसरा दृष्टांत दिया दूध का और घी का या माखन का। अब देखो दूध और माखन का दृष्टांत देके कहा कि माखन बने तो किसमें से बनता है, घी किसमें से बनता है? हाँ किसमें से? जरा जोर से बोलो सुनाई देवे। हाँ घी किससे बनता है? दही से, मलाई से, किससे? घी, घी से, दूध से। क्या बात है, वाह देखो मलाई भी आया दही भी आया और दूध भी आया माखन से, बहुत बढ़िया। तो घी कितनी चीजों बनता है यहां कुछ देर में। ऐसे अनुभवी लोग हैं जो माखन से भी निकाल लेते हैं, ऐसे अनुभवी हैं दूध से सीधा निकाल लेते हैं, ऐसे अनुभवी भी कुछ देर में हैं कि सीधा दही से निकाल लेते हैं। किसमें से आता है माखन? हाँ छाछ, वाह बराबर है। मक्खन से आता है, क्या आता है? हाँ यहां पे घी खाते तो है ना आप लोग, काय में से आता है घी? हाँ पता नहीं है, दूध से सीधे निकाल लेते हैं तो दूध से क्या बनता है पहले? दही, दही में से, दही में से मलाई या छाछ? छाछ किस में से बनती है? छाछ के बाद क्या होता है? माखन निकलता है और फिर तो अभी सब नए नए बोल रहे कहां से आया था वो। कहने का तात्पर्य यदि दूध में से ही घी बनता है तो घी का वास कहां पे है? दूध में है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब यहां से कथा सुन के आप गए घर पे रसोई बनाने की इच्छा हुई और सब्जी में जहां छौंका लगाना था क्या देखा घर में घी तो है नहीं। बोले घी नहीं कोई बात नहीं है, अभी कथा में सुन के आए घी और कहीं नहीं दूध के अंदर है। बोले फ्रिज के अंदर दूध की थैली तो पड़ी है, निकालो। और निकाल के यदि दूध से छौंका दिया तो सब्जी बनेगी, हाँ के ना तो बोलो। अब देखने जाए तो घी और कहीं नहीं दूध के अंदर ही है, तो जो कार्य घी से होता है वो दूध से क्यों नहीं होता? बोले दूध के अंदर घी बिखरा हुआ है लेकिन उसका मंथन करके उसका सार अलग निकाला जाए तो वो जो सुख दे वो सुख दूध नहीं देता। वैसे ही वेद दूध रूप है और उसका मंथन करके अलग निकाला हुआ नवनीत श्रीमद् भागवत है, वो जो सुख दे वो सुख और कहां मिले। ऐसे ही गन्ने के रस और चीनी की दृष्टांत भी यहां पे दिया। और जब ये सुना और नारद जी ने संकल्प किया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। और जहां
संकल्प किया कि ये भागवत कथा का आयोजन मैं भी करूंगा, लेकिन कृपा करके बताओ ये भागवत की कथा मैं कहां करूं, कब से करूं, किस समय करूं। और जब सारे प्रश्न पूछे गए और तब संत कुमारों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। गंगा जी के पास एक आनंद नाम का घाट है और वहां ऐसे सुंदर वन हैं कि जहां जिसके अंदर अनेक अनेक सरोवर हैं, जिसके अंदर नीले नीले रंग के कमल खिलते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां आके तपस्या करते हैं और उनके तपस्या के फलरूप वो भूमि ऐसी हो गई है कि वहां परस्पर विरोधी स्वभाव वाले शेर और हिरण भी मित्र बन के रहते हैं। तो उस स्थान पे कथा का आयोजन किया जाए तो तुरंत फल सिद्धि होगी। और जहां नारद जी ने ये कथा का संकल्प किया, तीनों भवनों के अंदर हल्ला मच गया कि भागवत की कथा होने वाली है, भागवत की कथा होने वाली है। और दूर दूर से बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े तीर्थ साकार रूप लेके वहां आ रहे हैं कि जहां भागवत की कथा हो रही है। किसी ने अपने हाथों में झांझ उठाए, किसी ने करताल उठाए, किसी ने मृदंग उठाए और भगवत नाम लेते लेते सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं कि जहां भागवत की कथा हो रही है और गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मॉनिटर हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितने भी नदियां थी उन सभी नदियों ने स्त्रियों का रूप लिया और स्त्री का रूप लेके उस स्थान पे आने लगे कि जहां भागवत की कथा हो रही है। जितने भी पुराणों के वेदों के मंत्र थे उन मंत्रों ने भी साकार रूप लिया और उस स्थान पे आने लगे जहां भागवत की कथा हो रही है। एक जगह वैष्णव को बैठाया, एक जगह विरक्तों को बैठाया और सभी लोग मंत्र मुक्त होके गा रहे और कह रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े बड़े ऋषि मुनि ये श्रवण करने के लिए आए, भृगु आए, वशिष्ठ आए, चमन, गौतम, मेघाती, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायाशुक, लाली जहू, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां दर्शन करने के लिए आए हैं। एक जगह वैष्णव बैठे हैं, एक जगह व्यक्त बैठे हैं। और जब सनत कुमारों को व्यास गादी पे विराजमान कराया गया, नारद जी ने तिलक किया, आकाश से ध्वनि होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, अबील गुलाल उड़ने लगा और सब लोग जय हो का घोष करने लगे और मस्त होके गाने लगे और कहने लगे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री। सभी गाइए, सभी की तालियां। वरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो ये भागवत की कथा क्या है, जिस समय भागवत जी यहां आके विराजमान हुए, ये भागवत वो तो कल्प वृक्ष है और 7 दिन तक हमें इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठना है। और कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं कि जहां बैठ के जैसी कामना करो वो कल्प वृक्ष पूरा कर देवे। और देखो मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि जहां जहां भागवत की कथा हो वहां 33 कोटि देवता है तथास्तु तथास्तु करते हुए आ जाते हैं। इसलिए 7 दिन तक अपने बारे में भी अच्छा बोलना और औरों के बारे में भी अच्छा बोलना। जरा सा ऐसे कहा कि आजकल तो मेरा टाइम ही खराब चल रहा है और तथास्तु हुआ तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं। 7 दिन अपने बारे में भी अच्छा बोलो, औरों के बारे में भी अच्छा बोलो, क्योंकि 7 दिन हमें वो कल्पवृक्ष की छांव में बैठना है कि जैसी कामना करके बैठोगे वो कल्पवृक्ष उसी कामना को उसी प्रकार पूरा कर देगा। इसलिए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। और जैसे सनत कुमार व्यास गादी पे विराजमान हुए, भागवत जी का महात्मा कहना शुरू किया और कहते हैं कि भागवत कैसा शास्त्र है, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, कि जैसे सूर्य का उदय हो और सुबह होते ही जैसे पुष्प की पंखड़ी के ऊपर ओस के बिंदु आके स्थित हो जाते हैं, वैसे ही इस भागवत कथा के अंदर क्षण के लिए भी कोई बैठे और मुक्ति स्वयं आके उसकी हाथ की हथेलियों में स्थित हो जाती है, मुक्ति को जो सहज कर दे, ऐसा ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। तो आइए उसका अवगाहन करें। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। वो कहते हैं यदि हे कली के जीवो, यदि सेवन करना है, यदि व्यसन करना है तो इस हरि कथा का व्यसन करना, क्योंकि ये हरि कथा का व्यसन हो गया तो किस समय हरि आके आपके चित्त को चुरा लेंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। इसलिए आओ इसका सेवन करें। यण वासुदेवा, हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृह तद्गृह तीर्थरूपम हि निवस्ताम पापनाशनम। कहते हैं जिस स्थान पे श्रीमद् भागवत जी आके विराजमान हो जावे वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं रहता, वो तो ऐसा तीर्थ बन जाता है कि जिसका आश्रय करने के लिए सकल ब्रह्मांड के तीर्थ वहां हाजिर हो जाते हैं। और जिस समय भागवत जी यहां आके विराजमान हो गए, अब 7 दिन तक ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं रहा, यह ऐसा तीर्थ बन चुका है कि जिसका आश्रय करने के लिए सकल ब्रह्मांड के तीर्थ यहां पे आ चुके हैं। तो आइए उसका अवगाहन करें। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रगातम। कहते हजारों हजारों बार जाके गंगा जी में स्नान करके आओ, हजारों बार जाके प्रयागराज में स्नान करके आओ, उसको भी वो फल न मिले जो फल कुछ क्षणों के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा में बैठने वाले को सहज मिल जाता है। हजारों बार जाके जो पुण्य का किया उसमें वो फल नहीं मिले जो फल भागवत कथा में बैठने वाले को सहज रूप से मिल जाता है। और कहते हैं ना, ये भागवत ऐसा शास्त्र है, कोई अधम से अधम जीव भी अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, अरे आधा श्लोक, अरे आधे श्लोक का भी एक पद यदि वो श्रवण कर ले तो उसको लेने के लिए भी स्वयं भगवान के दूत यहां आते हैं और उसे बैठा के भगवत धाम में ले जाते हैं। तो आइए ऐसे शास्त्र का अवगाहन करें। जय नाथ नारायण वासुदेव, जय नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कहते हैं जब श्रीमद् भागवत जी के ऐसे महात्म का दर्शन करवाया, शौनक जी के मन में प्रश्न जागा कि शास्त्रों में मुक्ति देने वाले तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मुक्ति देने वाले तो बहुत शास्त्र हैं, पर उन सभी ग्रंथों में से भागवत की महत्ता इतनी कैसे बढ़ गई कि उसके आगे मुक्ति देने वाले सभी शास्त्र गौण हो गए। ऐसा भागवत में क्या है जो और कोई शास्त्र में नहीं है। और तब सूत जी ने बताया, ये उस समय की बात है, भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं जिनने संकल्प किया है स्वधाम पधारने का। सामने उद्धव जी खड़े हैं, उद्धव जी के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और आंखों में अश्रु हैं। भगवान स्वधाम जाने को पद तैयार हुए हैं, हाथ उद्धव जी के जुड़े हुए हैं, आंखों में अश्रु है और उद्धव जी प्रभु से विनती कर रहे हैं, हे प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, हे प्रभु कृपा करके मत पधारो, यदि आप हमें छोड़ के चले गए प्रभु ये कलिकाल के जीव किसकी शरण लेंगे, ये कलिकाल के जीव प्रभु किसकी शरण में जाएंगे, हे प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, हे प्रभु कम से कम कलिकाल के जीव के जिनसे न कोई साधन होगा, जिनसे न कोई व्रत तप होगा तो उनका कल्याण कैसे होगा, हे प्रभु कलिकाल के जीवों के ऊपर करुणा करके हमें छोड़ के मत जाओ। और जहां उद्धव जी ने प्रभु से विनती करी और करुणा वरुणालय भगवान के हृदय में वो कलिकाल के जीवों के लिए ऐसी करुणा जागी कि कलिकाल के वो जीव जिनसे कोई साधन नहीं होगा तो वो कैसे तरेंगे, और कलिकाल के जीवों के लिए मन में जहां प्रभु के करुणा जागी, भगवान तो स्वधाम पधारने को तैयार हुए थे पर जहां उद्धव जी ने विनती करी और प्रभु ने स्वधाम जाने का निश्चय किया हुआ है लेकिन उद्धव जी की वृत्ति से, उद्धव जी की विनती से प्रभु के मन में ऐसी करुणा जागी कि स्वधाम जाने की जगह भगवान ने एक तेज पुंज का स्वरूप धारण किया और तेज पुंज का स्वरूप धारण करके स्वधाम जाने की जगह भागवत रूपी समुन्द्र के अंदर भगवान समा गए। यानी भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई शास्त्र नहीं, ये साक्षात श्रीनाथजी बाबा का वांगमय स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत जी में और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो आइए उसका अवगाहन करें। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा और जिस समय भागवत कथा का अवगान हो रहा था उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भागवत के अर्थों में से युवा हुए भक्ति महारानी अपने दोनों युवा हुए पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके प्रकट हुए और क्या आश्चर्य हुआ वर्णन करते हुए कह रहे हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमय करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नंदिनी नामानि मुहुर बदंती कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जैसे ही भागवत कथा का अवगान हुआ भागवत के अर्थों में से युवा हुए भक्ति महारानी अपने दोनों युवा हुए पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके प्रकट हुए और विनती करने लगे देखो ये भागवत कथा के प्रभाव से मैं तो युवा हो गई और मेरे दोनों पुत्र भी युवा हुए हम तीनों की चिंता मिट गई। मैं भी कथा श्रवण करने आई हूँ लेकिन मैं कहाँ बैठ के कथा श्रवण करूँ। और तब कहा गया कि हे भक्ति महारानी आपको विराजने के लिए भी एक ऐसा सुंदर आसन है वहां आप विराजो तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठ के कथा सुनूं। तब कहा हे भक्ति महारानी ऐसी कृपा करो आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे प्रत्येक वैष्णव रूपी जीव के हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो जाओ। और जहाँ भक्ति महारानी हरेक कथा श्रवण कर रहे सभी के हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो गए प्रेम की ऐसी सरिता उमड़ी प्रेम का ऐसा सागर उमड़ा कि सभी लोग मस्त हो गए और मस्त होके गाने लगे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए तालियां बजाते बजाते हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण। और कहते हैं कि जहां भक्ति महारानी आके सभी के हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो गए और कहते हैं उनकी पुकार के अंदर ऐसी तीव्रता आ गई कि उनकी पुकार को सुन के भगवान अपने धाम में स्वयं विवश हुए और जैसे एक डोर से बांधा हुआ पतंग डोर खींचने वाले के पास खींचता हुआ चला आवे वैसे ही भक्ति महारानी कथा श्रवण कर रहे सभी के हृदय रूपी सिंहासन में आके विराजमान हो गई तो स्वयं भगवान अपना स्वधाम छोड़ के कथा का श्रवण कर रहे सभी के मध्य में प्रकट हो गए। ऐसे पितांबर बांधा हुआ है सुंदर पितांबर उड़ा हुआ है मुख में मस्तक में सुंदर मोर मुकुट है मंद मंद स्मित है और घुघराली लटे प्रभु के मुख कमल के ऊपर ऐसे उड़ रही हैं मानो कमल का रस का आस्वादन करने के लिए हजारों भ्रमरों के झुंड आ गए हों ऐसा अनुभव हो रहा है।
भगवान खड़े हैं, लेकिन सब लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं, क्योंकि आज जान लिया है कि आज प्रभु अपनी इच्छा से नहीं पर इस भगवत नाम के प्रभाव से मिले हैं। सामने प्रभु खड़े हैं, लेकिन बैठे हुए सभी लोग भगवत नाम का आनंद ले रहे हैं। प्रभु के दर्शन तो कर रहे हैं, पर जान रहे हैं कि ये प्रभु के नाम के प्रभाव से आज प्रभु मिले हैं। प्रभु सामने खड़े हैं, लेकिन सब लोग मस्त होके गा रहे और कह रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे यण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब भागवत कथा का ऐसा प्रभाव देखा कि भागवत के अवगाहन से स्वयं भगवान अपना धाम छोड़ के कथा का श्रवण कर रहे सभी के मध्य में प्रकट हो गए, और जहां सभी के मध्य में प्रकट हो गए तो सभी ने देखा कि जहां भागवत की कथा भगवान को भी प्रगटा सकती है, भागवत की कथा जब भगवान को भी खींच के बुला सकती है, तो कृपा करके बताओ ये भागवत की कथा किन किन जीवों को पावन करती है। और तब कहा गया, ऐसे कई अपराधों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में है, पर ऐसे कई अपराध बताए गए हैं कि जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में भी नहीं है, ऐसे जीवों का उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा से होता है। लेकिन जानते थे कि खाली कही बातों पे जल्दी कोई भरोसा नहीं करता, और दृष्टांत के रूप से धुंधकारी का प्रसंग सुनाते हैं और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा इतिहास सुनाता हूं कि जिसको श्रवण करने मात्र से जाने अनजाने में हुए अपने सारे पाप निर्मूल हो जाते हैं। और ये प्रसंग ऐसा है, सुनते तो अपन हैं लेकिन तृप्ति अपने पूर्वजों को होती है, ऐसा ये प्रसंग। और कहते हैं ये प्रसंग कहाँ का है, किस स्थान की घटना है, तो उस स्थान का परिचय देते हुए कहते हैं, तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बहुत पुराना ये ऐतिहासिक प्रसंग है, और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये घटना कहां की है। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पे एक सुंदर नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। बड़ा पवित्र है, सिद्ध है, संतोषी है। और देखो ये कथा को यदि मैं सिंबॉलिक समझाना चाहूं तो ये कथा आत्मदेव की है, और ये कथा आत्मदेव की है, लेकिन आत्मदेव रहता कहां है। बोले तुंग भद्रा नदी के तट पे आए नगर में। तुंग यानी क्या, अधिक, और भद्रा यानी कल्याण करने वाला ऐसा तट, और उस पे आया नगर। वो नगर क्या है, वो और कुछ नहीं, वो है अपना शरीर। अधिक कल्याण करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है वो क्या है, बोले वो मनुष्य का शरीर। कहते हैं ना, भगवान ने जब मनुष्यों को बनाया और देवताओं को बनाया, तो कहते हैं देवताओं को जब मनुष्य ने बनाया तो चांदी से बनाया। किससे बनाया, जरा भाव से बोलो तो सही।
और जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो मनुष्य को बनाया मिट्टी से, देवताओं को चांदी से बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया। और फिर भगवान ने कहा, देख मनुष्य, मेरा सबसे श्रेष्ठ सृजन कोई हो तो वो तू है। मनुष्य ने कहा, प्रभु आश्वासन देना बंद करो। बोले, क्यों? देवताओं को बनाया चांदी से, हमें बनाया मिट्टी से, अरे बताओ आप, चांदी का मोल ज्यादा है कि मिट्टी का? मोल तो ज्यादा चांदी का होता है, और फिर भी आप कह रहे हो कि इस मिट्टी के देह वाले मनुष्य आपके सबसे बढ़िया सर्जन है। तो भगवान ने कहा, देख मैंने देवताओं को भले चांदी से बनाया, और हे मनुष्य, तुम्हें भले मिट्टी से बनाया, लेकिन फिर भी कहता हूं मेरा सबसे उत्तम सर्जन तुम हो। बोले, क्यों? क्योंकि मिट्टी के देह वाले मनुष्य, मिट्टी की एक विशेषता ये भी है कि उसमें जो भी बोना चाहो, जो भी बोगे सो उगेगा। अच्छा बोगे तो अच्छा उगेगा, और बुरा बोया तो बुरा उगेगा। ये सुविधा उस चांदी के अंदर नहीं है, ये सुविधा तो उस मिट्टी के अंदर ही मौजूद है कि जीवन में यदि सच बोगे तो सच उगेगा, और असत्य बोगे तो असत्य सामने आएगा। इस देह के पास ये सुविधा है, और इसलिए उसे कहा गया तुंगभद्रा नदी के तट पे आया हुआ ये नगर। इस नगर के अंदर, इस देह के अंदर वो सारी संभावनाएं हैं कि जो आप चाहोगे इस देह से आप पा सको। और देखो, इसके अंदर रहता है आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, और ये देह रूपी नगर के अंदर रहने वाला आत्मदेव कौन हुआ? हाँ, देखो शायद समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको छोटा सा एक प्रसंग सुना दूं, और छोटी सी कहानी के द्वारा ये पूरा प्रसंग आप समझ जाओगे। एक गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जीव भाई। क्या नाम था? यहां पे क्या, मैंने गुजरात में भाई बोल दिया, यहां क्या बोलते हैं? किसी को बुलाना हो तो नाम के संग क्या बोलते हैं? हा? क्या भैया? भैया, बहुत बढ़िया, चलो जीव भैया। चलो, गांव में एक भैया रहते थे, उसका नाम क्या था? जीव भैया, सब प्यार से उसे कहते थे। अब उसकी इच्छा हुई कि मुझे कोई सत्कार्य करना है। अब सत्कार्य करने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। तो कहते हैं उस गांव के अंदर एक बढ़िया धर्मशाला थी, और धर्मशाला के 5 ट्रस्टी थे, और वो ट्रस्टी भी बड़े धार्मिक विचारों वाले थे। तो इस जीव भैया ने आके वो 5 ट्रस्टियों से कहा, मुझे सत्कार्य करना है, कोई सत्कर्म करना है, तो आप मुझे अपनी धर्मशाला दोगे सत्कार्य करने के लिए? बोले, 5 ट्रस्टी बड़े धार्मिक विचार वाले थे, उन्होंने कहा तुम्हें सत्कार्य करना है, कोई कथा करानी है, कोई यज्ञ करना है, तो हम तुम्हें ये अपनी धर्मशाला बिल्कुल मुफ्त में देंगे। और जीव भैया बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो ये 5 ट्रस्टी कितने भाविक हैं, इसने सत्कार्य करने के लिए अपनी धर्मशाला हमको बिल्कुल मुफ्त में दे दी। और ये सोच के वो जीव भैया अपने पूरे परिवार के संग इस धर्मशाला के जिसके 5 ट्रस्टी थे उसमें सेटल हो गए, रहने आ गए। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, वो 5 ट्रस्टी आए पूछने, भैया ये धर्मशाला तुझे किस लिए मिली है? बोले, सत्कार्य करने के लिए। लेकिन सत्कार्य कर क्यों नहीं रहा? बोले, जब थोड़ी सुविधा हो जाएगी, थोड़े सगवड़ हो जाएगी तब करूंगा। अरे भैया, धर्मशाला में पहले रहने आना हो, जगह बुक करनी हो, तो पहले सुविधा करते हैं और फिर रहने आते हैं। तू रहने आ गया है और अब कह रहा है सब सुविधा इकट्ठी करनी है, जल्दी करो भैया। बोले, हाँ थोड़े दिन में कर दूंगा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हो गए, और अब तो 5 ट्रस्टी आए कहने और कहने लगे, अरे भैया हमको लगता है कि तू कोई सत्कार्य करने वाला नहीं है, तू तो यहां बस गया है। अरे 3 महीने हो गए तुझसे कोई पैसा नहीं लिया, इसका मतलब थोड़ी है कि तू यहां के बस जाए, अब तू ये खाली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और तब जीव भैया ने कहा कि अब ये धर्मशाला मैं खाली करने वाला नहीं, अब ये मेरी हो गई है। अब 5 ट्रस्टी तो बौचक्के रह गए, एक तो बेचारे को सत्कार्य करने के लिए मुफ्त में जगह रहने को दे दी, खुद रहने के लिए आ गया, और रहने आ गया सत्कार्य तो कर नहीं रहा, और ऊपर से कह रहा है कि जगह का मालिक मैं हो गया हूं, आज से धर्मशाला मेरी। अब 5 ट्रस्टी के पास सारे पेपर थे, सारे पेपर उन्होंने कोर्ट में दिखाए, और कोर्ट ने आदेश किया कि ये धर्मशाला 5 ट्रस्टियों की है, और जीव भैया को घर में से निकाला जाए,
तब सिपाही आए, सिपाही ने आके जीव भैया को खींच के धर्मशाला से निकाला। वो निकलना चाहता नहीं था, पर एक दिन धर्मशाला से सबको निकलना पड़ता है। और जब जीव भैया को खींच के धर्मशाला से निकाला, न रहे घर के न रहे घाट के, और तब विचार आया कि सत्कार्य करने के लिए अवसर मिला था, लेकिन ये अवसर भी पानी में गया, बेकार गया। और जीव भैया दुखी होने लगे। तो बस इतनी सी कथा है, किसी के समझ में आई? समझ में आई? ये जीव भैया कौन है? हाँ, और सत्कार्य करने के लिए जो ये धर्मशाला रखी है, धर्मशाला कौन सी है? शरीर। उसके ट्रस्टी कितने हैं? पांच, पंच महाभूत। पांच महाभूत हैं इसके ट्रस्टी हैं। और पांच ट्रस्टियों की धर्मशाला अपन ने ली, किस लिए ली थी? जरा भाव से बोलना, जरा और जोर से बोलना, पीछे वाले भी बोलना जोर से, बहुत बढ़िया। ये धर्मशाला, और यहां के भी बोलना जरा, ये धर्मशाला अपन ने किस लिए ली थी? जरा भाव से और बोलना, सत्कार्य करने के लिए। और धर्मशाला के अंदर रहने आ तो गए, वो जीव भैया तो 3 महीने रहे थे, अपन तो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल रह गए, लेकिन सत्कर्म करना याद आया और अचानक टेस्ट करवाया और कोलेस्ट्रॉल हाई आया। इसका मतलब क्या कि पांचों ट्रस्टियां याद दिलाने आए, भैया सत्कर्म कब करेगा अब? और अपन कहते हैं कि नहीं, सत्कर्म करना तो है, थोड़ी अनुकूलता हो जाए तब करेंगे। और जब थोड़ा सब कुछ ठीक होने लगा, वापस भूले, काम धंधे में लग गए, और जा अचानक हार्ट में दुखने लगा, हार्ट में दुखने लगा, बोले अचानक ये दुखावा क्यों हुआ? बोले दुखावा नहीं हुआ, ये पांचों ट्रस्टी फिर से याद दिलाने आए। क्या याद दिलाने आए हैं? के धर्मशाला तूने ली है, किस लिए ली है? लेकिन अपना, अपने आप को मालिक बना के रहने आ गया है, अब सत्कर्म कब करेगा? और याद दिलाने आए, और फिर से उसे याद आया, अरे सत्कर्म करना है, और सत्कर्म करने के लिए धर्मशाला ली, अपने आप को मालिक मान लिया, और कहने लगा कि अब तो इसका मालिक मैं हूं। लेकिन जब सोच रहे थे कि अब सारी व्यवस्था होगी तब करेंगे, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तब भगवत कार्य करेंगे, और ये सोचते सोचते कब जीवन बीत गया पता भी न चला। और जब यमदूत आए और शरीर में से खींच के निकाला, ये देह इतना भाग गया था, इस सुविधाओं के अंदर इतने सेट हो गए थे कि ये धर्मशाला छोड़ना किसी को भी अच्छा लगता, लेकिन फिर भी धर्मशाला छोड़नी तो पड़ती है। और जब खींच के बाहर निकाले, बाहर आए, न रहे घर के न रहे घाट के, और तब विचार आता है कि भगवान ने ऐसा सुंदर मौका दिया था, लेकिन वो मौका इस जन्म में भी हमने हाथों से, और ये वाक्य अपन इसी जन्म में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, पिछले अनेक जन्मों में अनेक बार अपन को ये धर्मशाला मिली, सत्कार्य करने के लिए रहने आ गए, लेकिन धर्मशाला के मालिक बन के बैठ गए, लेकिन जब ये धर्मशाला छोड़ने का समय आया तब दुखी हुए कि सत्कार्य करने का अवसर मिला, लेकिन वो असर भी हमें अपने हाथों से गवा दिया। तो ये कथा जैसे जीव भैया की है, ऐसे ही यह कथा है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। और आत्मदेव यानी कौन? हाँ, आत्मदेव यानी कौन? जरा बोलो सी भाव से। हाँ, आत्मदेव यानी कौन? जो तुंगभद्रा नदी के तट पे आए सुंदर नगर के अंदर रहता है, वो आत्मदेव कौन है? हाँ, मन। कौन बोला अभी? आत्मा। कौन बोलो सही? अंदर कौन रहता है? आत्मा। अब देखो, आत्मा और जीव एक है कि अलग अलग है? हाँ, जीव किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं? हाँ, क्या जो भटकता है आत्मा? क्या जीव किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं? हाँ, क्या? नहीं, यहां बोलो।
एक ही है दोनों, क्या हुआ? अब देखो, जीव किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं? अपने शास्त्र वेदांत वेद यों कहते हैं कि जैसे अग्नि में से एक तिनका निकलता है, चिंगारी जिसको बोलते हैं, अग्नि में से जैसे चिंगारी निकलती है, वैसे हम ब्रह्म के अंदर से उस चिंगारी की तरह निकले। अब अग्नि में से निकली हुई इस चिंगारी के अंदर भी वैसी दाहकता होती है कि नहीं जैसी अग्नि में होती है? हां के ना तो बोलो। अग्नि में से निकली हुई चिंगारी यदि सूखे घास के ढेर पे बढ़ेगी तो उसको जला देगी कि नहीं? हां, लेकिन थोड़ी देर तक वो चिंगारी ऐसे ही पड़ी रही तो क्या उसके अंदर वो दाहकता रहेगी? हां, तो जैसे जीव ब्रह्म से अलग हुआ उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। जब ब्रह्म से जिस समय वो जीव अलग हुआ तब उसकी अवस्था है पहली शुद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था है? शुद्ध अवस्था के अंदर वो आत्मा के यानी ब्रह्म के सारे धर्मों को अपने अंदर रख के वो जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो दूर गया माया का संग उसे हुआ, और माया का संग हुआ तब दूसरी अवस्था है बद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? बद्ध अवस्था। और जब जीवन में उसे सत्संग मिला और माया के आवरण को उसने दूर किया तो तीसरी अवस्था आई शुद्ध बद्ध और मुक्त। तीसरी अवस्था कौन सी? समझ में आया कि नहीं आया? हां कि ना? हां कि ना तो बोलो। नहीं आया तो ना बोलो, मैं समझाऊं फिर से। देखो, जैसे अग्नि के अंदर से चिंगारी निकलते हुए देखिए ना आपने, हां कि ना तो बोलो। बहुत बढ़िया। तो जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है तो वो चिंगारी यदि सूखे घास के ढेर के ऊपर पड़े तो उसको जला देती है कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर तक वो चिंगारी ऐसे ही पड़ी रहेगी तो फिर उसके अंदर दाहकता रहेगी? नहीं रहेगी। तो वैसे ही जब हम भी भगवान में से अलग हुए उस समय भगवान के सारे धर्म अपने अंदर थे, उस अवस्था को कहते हैं शुद्ध अवस्था। कौन सी? फिर कुछ समय हुआ उस जीव को माया का संग हुआ। किसका? तब वो जीव हुआ बद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? बद्ध अवस्था। बंध गया, उसके लिमिटेशंस आ गए, अपने धर्मों को भूल गया, अपने पास वो क्या लेके आया है सब कुछ भूल गया, वो किसका है वो भी भूल गया, किससे अलग हुआ है वो भी भूल गया, उस अवस्था को कहते हैं बद्ध अवस्था। लेकिन जब जीवन में सत्संग मिला, माया के आवरण को उसने फिर से दूर किया और माया का पड़ छूटा तो तीसरी अवस्था को कहते हैं मुक्त अवस्था। कौन सी अवस्था? शुद्ध बद्ध और। तो जब जीव शुद्ध अवस्था में है तब उसे कहा जाता है आत्मा, और जब माया का संग हुआ और बद्ध अवस्था में आया तब उसे कहा जाता है जीव। क्या रहा? जीव बद्ध दोनों अवस्थाएं देखी। तो यहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, शुद्ध अवस्था है, दिव्य अवस्था है, और कहते हैं उसका ब्याह हुआ धुंधली के संग। किसके संग? धुंधली। और धुंधली यानी कौन? धुंधली यानी हमेशा औरों की बातें करनी, हमेशा खटपट करनी, औरों की चुगलियां करनी, यही जिसका स्वभाव है वैसी धुंधली यानी बुद्धि। और आत्मा का ब्याह हुआ है किसके संग? बोले बुद्धि के संग। और घर के अंदर आत्मदेव का इतना चलता नहीं है, बुद्धि का ज्यादा चलता है। अपने घर के अंदर भी तो वो दशा है। आत्मा अपन को कहे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बुद्धि कहेगी कि जहां सब लोग कर रहे हैं तो फिर हमें करने में क्या आपत्ति होनी चाहिए, और ये बात अपन तरत मान भी लेते हैं कि नहीं। तो घर में सब कुछ है, सब सुविधा है, लेकिन भगवान जैसे हरेक को हरेक वस्तु देते नहीं है वैसे घर में संतति नहीं है। और संतति न होने का दुख एक बार आत्मदेव को इतना प्रबल हुआ, इतना प्रबल हुआ, उसने सोचा ऐसा जीवन लेके क्या करूं, इसे तो अच्छा है अपने जीवन को समाप्त कर दूं। और जीवन को समाप्त करने के लिए ये सोच के वो गया नदी के किनारे, बोले अपने आप को यहां गिर के समाप्त कर दूंगा, जीवन ही समाप्त हो जावे, जीवन ही खत्म हो जाए तो अच्छा रहे। लेकिन ज्ञानी है वो सोच रहा है कि यहां से मरूं कि ना मरूं, यदि आत्महत्या कर ली तो 7 जन्मों तक ऐसे मरना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मरूं कि ना मरूं।
वो सोच ही रहा था वहीं सामने एक यति आए, एक सिद्ध आए, और जैसे ही सामने एक यति आए सिद्ध आए उसने कहा कि मरने से पहले इनके आशीर्वाद ले लूंगा तो मेरी दुर्गति नहीं होगी। और ये सोच के जैसे ही वो प्रणाम करने गया यति ने पूछा भाई कैसे हो, और फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। कहा कि भैया तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या दुख है, तुझे क्या पीड़ा है? बोले क्या करूं, मेरे घर में तो कोई संतति नहीं है। अरे क्या बात करूं मैं अपने भाग्य की, मेरे आंगन में जो गाय खड़ी है उसे भी कोई बालक नहीं होता, मेरे आंगन में जो वृक्ष हैं उसमें न तो फूल उगते हैं न फल उगते हैं, ऐसे जीवन से मैं त्रस्त हो गया हूं, या तो मुझे वरदान दो कि मेरे घर में कोई संतति आवे, और या फिर मैं आत्महत्या करूंगा और ब्रह्म हत्या भी तुम्हारे माथे लगेगी, तो तुम चाहते तो मुझे दे सकते, सिद्ध हो, कृपा करके मुझे वरदान दो कि मेरे घर में कोई संतति आवे। लेकिन यति ने कहा भैया तू जो मांगना चाह रहा है पहले मुझे देखना पड़ेगा कि विधाता ने तेरे भाग्य में वो वस्तु लिखी है कि नहीं लिखी है। और जैसे ही उसके मस्तक की रेखा देखी और कहा देख तेरे मस्तक की रेखाएं मैं स्पष्ट देख रहा हूं, और जानता है उसमें क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? बोले तेरे मस्तक की रेखाओं में स्पष्ट एक वस्तु लिखी है, लेकिन साढ़े चार होने को आए हैं और अपना समय साढ़े चार के आसपास का रहेगा मेरे ख्याल से, फिर आरती इत्यादि का क्रम रहेगा, इसलिए तेरे मस्तक की रेखाओं में क्या लिखा है ये मैं तुझे कल 1 बजे बताऊंगा, क्योंकि आप जैसे कथा का श्रवण कर रहे हो वैसे विज्ञान के माध्यम से लाइव प्रसारण के माध्यम से दुनिया में अनेक लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, तो वो भी पूरे कथा का श्रवण कर पाए, क्योंकि टेलीकास्ट 4:30 तक मेरे ख्याल से चलेगा। इसलिए एक घड़ी के लिए भगवत नाम लेके यहाँ भागवत जी की आरती मनोरथी परिवार के द्वारा होगी, और फिर मनोरथ के दर्शन और अन्य क्रम अनाउंसमेंट होगा, तो सभी भाव से और प्रेम से 1 मिनट के लिए प्रभु का नाम लेंगे। नंदलाला 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 गोपाला नंदलाला 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 गोपाला जय हो लाला नंदलाला नंदलाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला नंदलाला गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला जय हो जय हो। न्यूट्रेला सोया चंक इसमें है 52% भाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर। न्यूट्रेला हेल्दी रहना सिंपल है। जम्स को किल करने व इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पतंजलि ने रिसर्च बेस्ड जर्मी एक्स बाथ सोप सैनिटाइजर तैयार किया है जो